पिछली क्लास में हम लोग यूज ऑफ लिटिल एंड फ्यू पढ़ चुके थे ना। आज नया पार्ट देखते हैं एडजेक्टिव का, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कभी ना कभी थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा सभी ने। नहीं पढ़ा इसको? क्यों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़े एडजेक्टिव के? तो देखो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। कितनी डिग्रीज होती हैं? 3, नेमली पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब तीनों में इम्पोर्टेंस, तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो डिफरेंस समझ लो। देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है। और जनरली आज अभी तक जो हम लोग यूज़ पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव का, जहाँ भी पढ़ा है हमने उसको पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में ही पढ़ा है। नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा? नो कंपैरिजन, ठीक है ना। कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सिंगल किसी की क्वालिटी की बात की जाती, ठीक है ना। कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, किसी की भी हम क्वालिटी को इसमें डिफाइन करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। और अगर किसी व्यक्ति की क्वालिटी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, या किसी ग्रुप की या किसी एनिमल आर्टिकल की क्वालिटी दिखा रहे हैं, तो उसमें कंपैरिजन कैसा? मेरे अंदर होशियारी है, आई एम इंटेलिजेंट, है ना, इसमें कंपैरिजन कैसा, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद कंपेरेटिव डिग्री में दो लोगों को एक साथ कंपेयर किया जाता है, दो लोगों को एक साथ, दैट मीन्स उनकी क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? टू पीपल और टू ग्रुप्स होंगे, ठीक है ना। और क्या होता है? कंपैरिजन किया जाता है ना, कंपैरिजन इज मेड, ठीक है ना। कंपेयरिंग बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स और आर्टिकल्स, है ना, और उनमें भी क्या, उनकी क्वालिटीज में, ठीक है ना, कंपैरिजन। सुपरलेटिव क्या होता है? देखो यहाँ पर तो दो लोग हैं तो कंपैरिजन होगा। सीधी सी बात है कि अगर दो लोगों की क्वालिटी अगर बात की जाएगी तो कंपैरिजन होता ही है, स्वभाव होता है इंसान का, नहीं होता? अगर तुम्हारे लिए दो लड़कियां देखने को आई हैं या दो लड़के आए हैं तो दोनों में एक चूज़ करोगे ना, कंपैरिजन करते हो कि नहीं करते हो? अगर अकेला आया होता तो उसकी क्वालिटी पता करते और सारी क्वालिटी पॉजिटिव डिग्री में होती। लेकिन दो लोग आ गए, ठीक है ना, तुम्हारे पास दो तरह के डॉग्स हैं तो ये बताओगे ना, ये थोड़ा लंबा है, वो थोड़ा सा छोटा है, ये काटता कम है, ये भौंकता ज़्यादा है, ये तो बताओगे। तो जब दो होंगे तभी कंपैरिजन होगा। दो ग्रुप भी हो सकते हैं, मेरे पास एक तरफ लड़कों का ग्रुप है इस क्लास के, एक तरफ लड़कियों की टोली है, ठीक है ना, और दोनों हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये लोग होशियार हैं, वो होशियार हैं। तो जैसे क्वालिटी की बात करेंगे और दो लोग होंगे या दो ग्रुप होंगे तो कंपैरिजन होना ही होना है, ठीक है ना। दैट मीन्स हम तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? इसमें हम वन आउट ऑफ मैनी इसकी क्वालिटी को दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि मेरी एक क्लास है और मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में क्या बोलते हैं हम, किसका नाम ले लें, हैं, टप्पू होशियार है, चलो यही बोल देते हैं, तो टप्पू बोलेंगे ना। टप्पू क्या है? उन सभी लोगों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। तो कई लोगों हम किसी एक की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो मैनी होगा, मैनी का मीनिंग क्या है? 3 persons और मोर देन 3 persons, ग्रुप भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, जिसकी भी क्वालिटी हो। तो इस व्यक्ति की क्वालिटी क्या होगी? एक की, बाकी सब में सुपीरियर, इन मतलब सबसे अच्छी होगी या सबसे ख़राब होगी, यही होता है, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। एग्जांपल तुम जैसे गुड का ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे गुड हो गया, जैसे हम बोलेंगे राम इज़ गुड, राम अच्छा। उसके बाद हम बेटर बोल सकते हैं,
कंपैरिजन बोल रहे हैं, राम इज बेटर देन, कोई अन्य पर्सन का नाम ले लो। उसके बाद कई लोगों में राम को बता रहे हैं राम इज द बेस्ट, ठीक है ना, राम सबसे अच्छा है। यहाँ पर राम इज बेटर देन समवन, ठीक है ना, यहाँ पर राम इज गुड, राम अच्छा। तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़ को दिखाएंगे, यहाँ पर दो लोग हो जाएंगे, कंपैरिजन होगा ही होगा, और यहाँ पर कई लोगों में किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या जो भी उसकी क्वालिटी रही होगी वो बताई जाएगी, कई में से किसी एक की, ठीक है ना। तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लो और हेडिंग डाल लो पॉजिटिव डिग्री। ये नोट कर लिया सभी ने, क्यों भाई, चलो आगे बढ़ते। इसके बाद देखो एक एक को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहली हेडिंग डाल लो पॉजिटिव डिग्री। तो अभी हमने क्या बताया, क्यों भाई, पॉजिटिव डिग्री क्या होती। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी भी आर्टिकल, पर्सन, ग्रुप, उसकी इंडिविजुअल क्वालिटी को बताते हैं। क्या बताते हैं, इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ आर्टिकल, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में है ना इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, आर्टिकल और ग्रुप एट्सेट्रा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, किसी की क्वालिटी हो। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि नो कंपैरिजन, कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है ना, नो कंपैरिजन। जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या ले लें एग्जांपल, एग्जांपल है आई सॉ व्हाइट एलिफेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, वंशिका इज अ ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े थे शुरुआत से, तो हम उसमें पॉजिटिव डिग्री तो लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे क्या। पॉजिटिव डिग्री में हमने रूल्स पढ़े थे, अभी देखो पहला सेंटेंस सही है, सही है, अरे सही, देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है, ठीक है ना। इस नाउन के जो आगे आ रहा है ये एडजेक्टिव है, बोलो है कि नहीं है। लेकिन जो ये नाउन यूज़ किया हमने, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर मतलब सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल लगाते कहाँ थे, आर्टिकल लगाते थे एडजेक्टिव से पहले। लेकिन जो ध्वनि होगी, जो साउंड होगा, वो एडजेक्टिव का लिया जाएगा। तो वाइट में क्या आता है, वाह आता है, वाह क्या होता है, वाह क्या होता है, हिंदी में व्यंजन होता है कि नहीं, कॉन्सोनेंट होता है, इस वजह से यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ए, समझ रहे हो कि नहीं। तो आई सॉ अ वाइट एलिफेंट, अगर वोवेल होता है यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे मान लो लिखा होता आई सॉ ऑरेंज, ठीक है ना, तो ऑरेंज पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं, हालांकि एलिफेंट ऑरेंज नहीं होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आते हैं, वो पता। अगली बार ये एट्रीब्यूटिव यूज है, पढ़ चुके। इसके बाद वंशिका इज, अब यहाँ पे वर्ब आ रहे, हेल्पिंग वर्ब, और जब उसके बाद जो क्वालिटी आ रही है वो बिना आर्टिकल के लिखी जाती है, क्योंकि जब इसका नाउन ही इसके साथ नहीं है, तो तभी हम इसको प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं, जब बिना नाउन के कोई एडजेक्टिव आ रहा हो। और जब बिना नाउन के आ रहा है तो आर्टिकल लगाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि लगाते तो इसी के लिए है ना इसको, आर्टिकल को, समझ। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले ही, है ना, हम जानते हैं। एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं, इसको नोट करो जल्दी सभी लोग, फिर इसको बताते हैं। इसमें लिखा है महाराणा प्रताप, लिख लो सभी लोग जल्दी से, वॉज
देखो ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन पे जरा एक बार देखो ध्यान, सभी लोग कितने कर सकते हो, फिर हम बताते हैं, ठीक है। देखो भाई ध्यान सुनो, सेंटेंस लिखा है महाराणा प्रताप वॉज ब्रेव वॉरियर। महाराणा प्रताप की बात की जा रही है, ठीक है ना। वॉज के बाद ये जो वॉरियर आ रहा है तो नाउन है, वॉरियर का प्लूरल होता है, क्या होता है, वॉरियर्स, ये एक नाउन है, इसका प्लूरल भी होता है, तो यहाँ पर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया, क्यों मानवी। अब अगर ये वॉरियर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके आगे एडजेक्टिव आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से एडजेक्टिव से ठीक पहले एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग ए आई एन आना चाहिए, बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब वॉरियर सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगा देंगे, आप बा आ रहा ना प्रोनाउंसिएशन, इसलिए हम ए लगा देंगे। अगर ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा होता है हिंदी के स्वरों का तो हम एन लगा देते, तो ये तुम जानते ही हो, सेंटेंस अब सही हो गया मेरा, ठीक है ना। लेकिन अगला सेंटेंस लिखा है ब्रेव्स आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, ठीक है ना। एक एक चीज सुनो, एक सेंटेंस लिखा है ही इज अ गुड फ्रेंड, वह एक अच्छा मित्र है, ये लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज देखो, हमने यहाँ लिख दिया या ऐसे समझो, हिंदी में बताते हैं, जैसे हमने लिखा है वह मेरा अच्छा मित्र है, ठीक है ना। यहाँ मित्र संज्ञा है, संज्ञा से ठीक पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है ना। लेकिन अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें तो हम जैसे लिखेंगे अच्छा मित्र का सम्मान करो, ये सही है, सही है क्या, नहीं सही है ना, क्या बोलोगे इसको सही में शुद्ध रूप में, अच्छे मित्रों का सम्मान करो, यही तो बोलोगे, अच्छे कर दे रहे हो ना, इसको कर दे रहे हो ना। हम इसको ये लिखते अच्छे का सम्मान करो तो भी ये सही होता, होता कि नहीं, बोलो होता कि नहीं होता, होता ना। हमने सेंटेंस लिखा है कि वह मेरा बड़ा भाई है, वह मेरा बड़ा भाई है, उसका हमने लिख दिया बड़े से, हमने बना दिया बड़ो, बड़े का सम्मान करो, तो वहाँ बड़े नहीं, हम क्या बोलते हैं, बड़ों का सम्मान करो बोलते हैं, तो बड़ों का मतलब वहाँ बड़े लोग होता है ना। तो देखो था तो एडजेक्टिव ही था कि नहीं, एल्डर, यहाँ पर गुड भी क्या है, अच्छा भी क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यही एडजेक्टिव जब आगे आ जाता है, ठीक है ना, तो ये प्लुरल तो बन नहीं सकता, है ना, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और इसका जो सेंस होता है वो सिंगुलर ना होके वो क्या हो, वो एडजेक्टिव ना होके एक पूरे वाइड सेंस में यूज होता है, मतलब यहाँ पे अच्छे लोग बोल सकते हो, अच्छों का सम्मान करो की जगह नहीं बोल सकते हो, तो सेम यहाँ पर भी। तो देखो ब्रेव जो था मेरा एडजेक्टिव है, हमने ब्रेव को क्या कर दिया, ब्रेव्स, और हमने अभी बताया था कि एडजेक्टिव में एस ए एस नहीं लगता, लगता है क्या, तो पहले तो एस ए एस लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर इसको सही कैसे करें, तो इसको सही करने का तरीका क्या होता है, इसके आगे हम यूज़ करेंगे द, समझ रहे हो कि नहीं, क्या यूज़ करेंगे द। अब जैसे ही तुम किसी एडजेक्टिव के आगे द लगाते हो, तुरंत ही वो एडजेक्टिव क्या बन जाता है, वो पूरी कैटेगरी को दिखाता है। यहाँ द ब्रेव का मीनिंग क्या हो गया, अब बहादुर लोग क्या हो गया, ब्रेव पर्सन्स, ब्रेव पीपल, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव ऐसे लिख लो, यहाँ लिख दो ऊपर इसका रूल, एडजेक्टिव में एस आई एस नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन इसको हमें प्लूरल सेंस में शो करना हो तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे द, ठीक है ना। फिर इस द प्लस एडजेक्टिव की जो मीनिंग होगी वो क्या बन जाएगी, अपने आप में बन जाएगी प्लूरल, क्या बन जाएगी प्लूरल, और ये पूरी कैटेगरी को दिखा रहा होगा। जैसे यहाँ द ब्रेव का मतलब क्या हो गया, ब्रेव पर्संस, ठीक है ना, द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, पुअर पर्संस, पुअर पीपुल, समझ गए, समझ रहे हो ना, तो ये उन लोगों की बात करने लगता है फिर। अब ये द प्लस एडजेक्टिव का सेंस अगर प्लूरल है तो इसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा,
बुलवाए कि नहीं आएगा? समझ में आई मेरी बात कि नहीं सभी को? अब यहाँ पे आ जाओ, तो ब्रेव के पहले जैसे हमने द लगा दिया सही हो गया। अब ये मीनिंग होगी बहादुर लोगों का। ब्रेव अभी पूरा क्या बन गया? प्लूरल, प्लूरल बन गया, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, सही है, सही हो गया सेंटेंस, अब सही है सेंटेंस। समझे कि नहीं समझे? अगला देखो, द रिच इज यूजुअली एरोगेंट। रिच मतलब क्या होता है? अमीर। लेकिन ये रिच तो आता है एडजेक्टिव के फॉर्म में ना, एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव के आगे अगर मैं द लगा दिया तो ये पूरी कैटेगरी क्या हो गई? रिच पर्संस की। तो रिच पर्संस तो प्लूरल होता है, तो इसलिए इज नहीं आ सकता यहाँ पे। अब क्या आएगा? आर। समझ गए? आगे देखो, द पुअर आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। तो पूरा सेंटेंस सही है। पुअर मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है गरीबी, लेकिन उसके आगे तुमने द लगा दिया तो द प्लस पुअर मतलब क्या हो गया? पुअर पर्संस। पुअर पर्संस प्लूरल होता है, प्लूरल आ भी रहा है, सही हो गया सेंटेंस। क्लियर? अगला देखो, आई हेल्प द नीडी हु हैज लॉस्ट हिज हाउस इन द फ्लड। अब देखो, आई हेल्प, मैं हेल्प करता हूँ द नीडी, तो नीडी के साथ क्या आ गया? द। और द नीडी का मतलब क्या हो गया? नीडी पर्संस, जरूरतमंद लोग। और अगर ये जब प्लूरल हो गया तो हु तो क्या हो गया मेरा, पढ़ चुके प्रोनाउन में, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके अकॉर्डिंग ही आया है ये, और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। जब ये पूरा प्लूरल है तो क्या हैज आ सकता है? नहीं। क्या आएगा? हैव। अब लॉस्ट का हिज आ रहा है, हिज कैसे आ गया? सिंगुलर के अकॉर्डिंग उसने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी और सिंगुलर ही लगा दिया प्रोनाउन, लेकिन हमने अभी बताया प्रोनाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिज की जगह क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं? लेकिन दियर के बाद भी हाउस आ रहा है, जब कई लोगों घर होगा तो दियर हाउसेस हो जाएगा इन द फ्लड। समझ गया सभी लोग? तो ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको जल्दी से नोट कर लो, आगे कंपैरेटिव पढ़ते हैं। इसमें किसी कोई डाउट है? समझ में आ रहा सभी को? चलो अगली हिंट डालो, कंपैरेटिव डिग्री। हेडिंग डालो, कंपैरेटिव डिग्री। अभी हमने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दो लोगों, दो आर्टिकल, दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है ना? तो यहां पे क्या होगा? कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू persons, articles, groups, etc. ठीक है ना? कुछ भी दिया हो, दो लोग होने चाहिए, comparison होगा उनकी qualities में, ठीक है ना? Quality comparison होता है। अच्छा, एक चीज़ ये समझ लो कि comparative degree बनाई कैसे जाती है। कुछ तो ऐसे words होते हैं जो change हो जाते हैं, जैसे good, better, best, है ना, और बैड, वर्स, वर्स्ट हो जाता है ना। लेकिन कई ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें सफिक्स चेंज करके उनको चेंज कर सकते हो। जैसे कोई ऐसा वर्ड हो तो उसमें तुम ई आर या आई ई आर लगा के क्या बना सकते हो? कंपैरेटिव डिग्री। कई में तुम मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लिख दो तो बन जाएगा। कई ऐसे होंगे जिसमें तुम मोस्ट के साथ, सॉरी, मोर के साथ और एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना, मोर या लेस के साथ, ठीक है, मोर लिखोगे या फिर लेस लिखोगे और साथ में इनके यूज़ कर लो पॉजिटिव डिग्री, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना? जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना, तो स्ट्रॉन्ग में अगर ई आर लगा देंगे स्ट्रॉन्गर, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अगर हेवी लिखा है कहीं पे, एच ई ए वी वाई, तो हेवियर हो जाएगा। ब्यूटीफुल, डबल सिलेबल के जो वर्ड होते हैं उसमें मोर या लेस लगता है, ठीक है ना, मोर लगा दोगे तो ज़्यादा सेंस आ जाएगा, लेस मतलब कम अच्छा, ठीक है ना? तो कहीं लिखा है मोर ब्यूटीफुल तो अधिक सुंदर, लेस ब्यूटीफुल कम सुंदर किसी से। और इन दोनों के साथ ही आएगा क्या कंपैरिजन के लिए?
देन, क्या आता है देन, समझ रहे हो ना? हम कुछ एक्सरसाइज लिख रहे हैं, इसमें किसी को डाउट है? ध्यान रखना, मोर और लेस तब आते हैं जो वर्ड दिया हो वो डबल सिलेबल का हो, ठीक है ना? जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, है ना? तुम देखना इसमें इंटेल प्लस जेंट ऐसे लिखा होता है कि नहीं, ब्यूटी प्लस फुल होता है तो डबल सिलेबल होते हैं, एक वर्ड बनता है। उसी में ऐसा होता है, सिंगल सिलेबल वर्ड होगा तो ई आर या आई आर लगेगा या फिर वर्ड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? और इनके साथ दैन लगाया जाता है जिसकी भी कंपेरिजन होगी। एक्सरसाइज लिख रहे हैं, एक्सरसाइज लिखो जरा सभी लोग, जल्दी से लिखो। जल्दी से नोट करो, सुधार करो इनमें, फिर हम बताते हैं। देखो भाई, एक एक करके देख लो। जैसे लिखा है विद्या इज स्ट्रॉन्गर देन सरला, तो पहला सेंटेंस क्या है? पूरी तरह से सही। विद्या का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सरला से हो रहा है, हो रहा है कि नहीं आ रहा? विद्या किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। तो जो कंपैरिजन होता है वो सब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस का होगा, ऑब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस का। अगर विद्या सब्जेक्टिव केस में है तो इसका कंपैरिजन भी किस केस से होगा? सब्जेक्टिव केस से। सरला भी सब्जेक्टिव केस में, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आना चाहिए, वो भी है, तो ये सेंटेंस क्या है? सही, ठीक। अगला, रोहन इज मोर एक्टिव देन रमा इज। तो देखो फिर से रोहन का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ? रमा के साथ। कंपैरेटिव डिग्री उसके बाद देन भी आ रहा है, वो भी सही है, लेकिन ये आ रहा है ये इज, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ध्यान रखो कि रोहन के बाद जो इज आ रहा है और उसके बाद रमा के साथ भी इज लगा दिया जाए अगर, मतलब सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही, तो यहाँ जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब अगर लिख दी जा रही तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है ना? अगर ये लिखा है तो भी सही है, नहीं लिखा है तो भी सही है, समझ रहे हो ना? तो रोहन इज मोर एक्टिव देन रमा इज लिखो, या फिर रोहन इज मोर एक्टिव देन रमा, दोनों ही चीज़ें क्या है? सही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी क्या है? सही। तो पहले तो हम क्या समझे कि सब्जेक्टिव केस के साथ हमेशा क्या आएगा कंपैरिजन? सब्जेक्टिव केस कंपेयर होगा किससे? सब्जेक्टिव केस। ये फर्स्ट रूल हुआ इसका, समझ गए कि नहीं? और उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस किससे कंपेयर होगा? ऑब्जेक्टिव केस से। ये दोनों बातें ध्यान रखो, ठीक है? अगला है, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। देखो सी क्या है? सब्जेक्टिव केस। कंपैरिजन किससे हो रहा है? मुझसे। लेकिन जब कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस का हो रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कैसे हो सकता है? बनाओ इसको सब्जेक्टिव, क्या हो जाएगा? आई, समझ गए कि नहीं? बाकी कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन तो आ ही रहा, वो सही है, ठीक है ना? अगला देखो, आई एम फास्टर देन ही इज। फिर से आई क्या है? सब्जेक्टिव केस। ये भी सब्जेक्टिव केस था। अगर आई सब्जेक्टिव केस है, कंपैरिजन हो रहा है ही से, सही है, दोनों ही सब्जेक्टिव केस में, बोलो सही है कि नहीं? सही है। उसके बाद इज लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, तो भी क्या है? सही है, ये भी सेंटेंस सही है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। लिखा है माई कार इज मोर एक्सपेंसिव देन यू। अगर इसको ध्यान समझोगे तो इसमें क्या लिखा है कि जो मेरी कार है इसका कंपेरिजन किससे किया जा रहा है? तुम्हारे साथ। मेरी कार तुमसे कैसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, ठीक है ना? कंपैरिजन सिमिलर चीज़ों का होता है, ठीक है ना? बात समझ रही कि नहीं? तो अगर कार का कंपैरिजन होना चाहिए तो कार का कंपैरिजन कार से ही होना चाहिए। अब इसको सही कैसे कैसे कर सकते हो? तुम यहाँ पे ले सकते हो देन, योर्स, ये तो करोगे। लेकिन एक चीज़ बताओ, योर्स के बाद आगे क्या आना चाहिए? योर्स क्या मतलब? योर्स के बाद तुम्हारी किससे? इसका प्रॉपर आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? योर्स लगाने के बाद भी हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है कि हमने अभी भी कार का कंपैरिजन किससे किया है? तुम्हारी किससे? तुम्हारी घड़ी से, अंगूठी से, मोबाइल से, तुम्हारे ट्रक से, तुम्हारी बैलगाड़ी से, राइफल से? नहीं ना, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम योर्स का भी यूज़, है ना, कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको भी यूज़ नहीं करते। अब एक बात आती है कि हम क्या कर दें, हम लिख दें योर कार,
क्या लिखते हैं, योर कार। अब ये कैसे गलत हो जाएगी, ये भी सही है, तुम लिख तो सकते हो, सही है, लेकिन क्या होता है इसको भी ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाता, क्योंकि हम जब एक बार नाउन यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हमेशा उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं, सेम सेंटेंस में बार बार हम उस नाउन को रिपीट नहीं करते। तुमने कार, नाउन था ना कार, उसे प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए ना इस बार, तुमने क्यों नाउन यूज़ किया, तो इस वजह से ये भी क्या है, सेंस में कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। तो अब करें क्या, तो किया क्या जाता है, हमेशा ध्यान रखो, ऐसे में मेरे पास एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस, हम कंपैरिजन करने वाले हैं, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो देन आएगा मेरे पास, तो पहले तो क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। देन के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान रखो, अगर सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर, तो हम दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, दैट ऑफ, और उसके बाद यूज़ करते हैं पजेसिव केस, क्या यूज़ करते हैं, पजेसिव केस, और अगर प्लूरल है तो हम यूज़ करते हैं दोज ऑफ, और पजेसिव केस तो रहेगा ही रहेगा, समझ गए। अब माई कार इज मोर एक्सपेंसिव देन, सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर आर्टिकल का कंपेरिजन कर रहे हो ना, तो हम देन के बाद क्या यूज करेंगे, पहले दैट ऑफ। दैट ऑफ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दैट बात की चीजों को दिखाता है, दूर की चीजों को, ध्यान है ना, फार की चीजों को, फार में तो है कार, इसलिए मैं दैट लगाया, सिंगुलर इसलिए दैट लगाया, तो दैट ऑफ मतलब उसी, दैट ऑफ का मीनिंग ये हो गया कि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, इस कार से, मतलब तुम्हारी कार से, तो दैट ऑफ, उसके बाद क्या आएगा, पजेसिव केस, तो यू का पजेसिव केस क्या होता है, बिना नाउन के योर्स होता है, होता है कि नहीं, योर तब यूज करते हैं जब उसके आगे नाउन आ रहा हो, योर कार, लेकिन अगर नाउन नहीं है, विदाउट नाउन यूज हो रहा है पजेसिव केस, तो उसमें हम योर्स लिखते हैं, योर्स होता है आई मी माई, उसका माइन होता है, अवर्स होता है, होता है ना, दियर्स होता है, इट्स होता है, और हिज होता है, हर्स होता है, ये बात हमें पता ही। तो अब क्या हो जाए सेंटेंस आई, माई कार इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ योर्स, मतलब योर्स मतलब तुम्हारी, दैट ऑफ मतलब तुम्हारी कार की बात कर रहे हैं, अब सेंस क्या हुआ, क्लियर, समझ गए। अगला देखो, दिस बुक इज मोर बोरिंग देन जयंत, किताब जयंत से ज्यादा बोरिंग कैसे हो सकती। अब तुम कहोगे सेंटेंस गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है, हो सकता तुम यही कह रहे हो कि जयंत को हम नहीं, जयंत से बात नहीं करना चाहते हैं, जयंत के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ग्रामर ये नहीं कहती, हम क्या पढ़ रहे हैं वो सीखना हमें, ठीक है ना, कह तो कुछ भी सकते हो। तो दिस बुक इज मोर बोरिंग देन जयंत नहीं होगा, क्या होगा, बुक क्या है, सिंगुलर है ना, सब्जेक्टिव केस है, हम इसका कंपेरिजन करने जा रहे हैं, और ये सिंगुलर में, सिंगुलर में इसलिए देन के बाद हम क्या लगाएंगे दैट ऑफ, क्या लगाएंगे, दैट ऑफ। लेकिन ये भी तो देखो, अभी उन्हें बताया पजेसिव केस यूज करते हैं, इसके बाद जयंत का पजेसिव केस है नहीं, किसी भी लिविंग थिंग को पजेसिव बनाने के लिए पजेसिव केस हमें अपोस्ट्रोफी लगाते थे, तो क्या हो जाएगा, जयंत्स, अब सेंटेंस सही हुआ, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना, नाउन हमने पहले ही पढ़ रखा था, मान लो यहाँ सुरेश आ रहा है तो सुरेशेस नहीं करते हैं फिर, क्योंकि उसमें सा की साउंड आती है, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, हो गया, समझ रहे हो ना, किसी को डाउट है इसमें, नहीं। अगला है योर मैंगोज लुक राइपर, तो तुम्हारे मैंगोज क्या हैं, कैसे दिखाई पड़ रहे, राइपर देन हिम, उससे ज़्यादा पके हुए, उसके आमों से पके हुए, तो अब देन के बाद हम क्या लगाएंगे, पहले दोज ऑफ, दोज ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल है यहाँ पर, बोलो है कि नहीं है, तो प्लूरल में दोज ऑफ का यूज़ करेंगे। अब हिम की जगह क्या होगा, इसका पजेसिव केस क्या होता है, हिज, समझ गए। अगला, रश्मि लव्ड हिम मोर देन आई, तो रश्मि ने उसे ज़्यादा प्यार किया। अब देखो, रश्मि लव्ड हिम, ऑब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन करने जा रहे हैं इस बारे में, तो ये आई के ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होना चाहिए, इसलिए आई की जगह क्या हो गया यहाँ पे, मी। यहाँ पे कंपेरिजन किसका हो रहा है, रश्मि प्यार करती थी हिम उसे, मोर देन मी, तो जब हिम ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस तुलना तो करेंगे। अब तुम कहो क्या गलत है, नहीं गलत है, तुम इसको भी चेंज कर सकते थे, तब क्या मीनिंग हो जाता। देखो, अगर हम क्या कर देते, रश्मि लव्ड हिम मोर देन आई ये लिखा होता, तो इसका मीनिंग पता क्या था, कि उसको दोनों लोग प्यार करते हैं, रश्मि भी
और मैं भी, लेकिन रश्मि ज़्यादा करती थी मुझसे, समझ गए ना। तो इसी वजह से क्या होता है, ध्यान रखो कि हम सेंस चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने हिम का कंपैरिजन किया इससे। रश्मि दोनों को ही प्यार करती थी, उसे भी मुझे भी, उससे ज़्यादा करती थी, मोर देन आई, मतलब उससे ज़्यादा। इसलिए आई क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि कंपैरिजन इसका और मेरा है, समझ रहे हो कि नहीं। रश्मि वहाँ पे क्या स्टैटिक है, स्थिर है, समझ गया ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस कंपैरिजन हो रहा है ना, तो आई भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए ना। इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको मी कर दिया। अभी ने बताया था ना, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस, समझ गया ना। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या, एक सेंटेंस देखो जरा, हमने लिखा सी इज मोर इंटेलिजेंट देन आई वॉज, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन आई वॉज, क्या गलत है? नहीं गलत है, क्यों नहीं गलत है, क्यों नहीं सही है, जबकि यहाँ तो इज है वहाँ वॉज कर दिया ना, चाहिए कर दिया हमने, इससे मतलब नहीं है टेंस से। हम उसकी आज की तुलना अपने पास्ट से कर रहे हैं जब हम कैसे थे, ठीक है ना। तो सी इज मोर इंटेलिजेंट देन आई वॉज का मतलब हो जाएगा, जितना मैं था उससे ज़्यादा वो आज इंटेलिजेंट है। तो टेंस से फर्क नहीं पड़ता है जब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर देन लगाएंगे, तो जो टेंस आएगा इससे इफेक्ट नहीं पड़ता कोई भी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो टेंस अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, या लिख लो टेंस मे बी डिफरेंट, समझ गए सभी लोग कि नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। अब एक चीज़ और देखो, हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें लिखा है योर ब्रदर इज वाइजर देन आई। अब योर ब्रदर आ रहा है, अभी देखो हमने पॉजिटिव केस देखे सारे, माई कार है ना, दिस बुक, योर मैंगोस, डबल डबल वर्ड आ रहे थे। तो यहाँ पर योर ब्रदर अलग अलग थोड़ी ना है कि योर ब्रदर इज वाइजर देन दैट ऑफ मी कर दें, समझ पा रहे हो मेरी बात, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, दैट ऑफ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो अलग दिखने के बावजूद भी ये मतलब क्या है इसका, कि योर ब्रदर पूरा पूरा क्या है जिससे हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, हम भाई, ये तो तुम्हारा भाई है बस खाली, तुम्हारे भाई, जो तुम्हारा भाई है वो मुझसे ज़्यादा वाइजर है, मुझसे ज़्यादा वाइज है। तो इस वजह से ये दोनों ही क्या है, अपने आप में सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं। तो इससे कंफ्यूज मत होना कभी भी, समझ गया कि नहीं। जल्दी इसको नोट कर लो, कल ही क्लास में मिलते हैं, ठीक है, इसको नोट करो, ये नोट कर लिया था ना सभी ने, इसमें किसी कुछ पूछना है, क्यों, सभी को आया समझ में ना, ठीक है। देखो आगे कंपैरेटिव डिग्री में ही आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो इसके बाद एक नई चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री का ही पार्ट है, कैसे लिखें जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं,
देखो ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं एग्जाम में, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है देखो, तो इसके दो रूल्स हैं। कैसे? प्रेफर या फिर प्रेफरेबल, और प्रेफरेबल फर्दर प्रायर। जब भी इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, ठीक है ना, तो इनके साथ हमेशा ही देखो, ये अपने आप में कंपैरिजन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन शो करते ही अपने आप में, तो इनके बाद देन नहीं लगता, क्योंकि कंपैरिजन में देन आता, ठीक है ना, कंपेयर टू डिग्री में। इनके साथ हमेशा क्या आती, ये क्या होते हैं, इनके साथ कंपेरेटिव डिग्री नहीं आती, ठीक है ना। ये वैसे ही कंपेरेटिव होते हैं, कंपेरिजन शो करते हैं, इसलिए इनके बाद देन नहीं आता। हम क्या यूज करते हैं? टू। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही जैसे एक अलग कैटेगरी है, जूनियर सीनियर सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है, और क्या हो जाएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है ना। इनके साथ भी सेम यही स्टडी होती है, ठीक है ना। इनके साथ भी क्या आता है? टू। और देखो चूंकि इसमें कंपैरिजन हो नहीं रहा है, इनके तुरंत बाद टू आता है कि नहीं आता है, देन का यूज नहीं हो रहा है। और अगर इनके तुरंत बाद टू आता है, तो इनके साथ हम फॉलो क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। क्या फॉलो करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। वैसे क्या होता था, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, देन आ रहा है, सब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स के बाद मतलब देन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या है, देन लगता ही नहीं, क्या आता है उनकी जगह? टू। देन की जगह क्या आएगा? टू। और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है बोलो? तो जैसे हम सही करते हैं, तो लिखा आई वुड प्रेफर कॉफी देन टी, तो प्रेफर मिला ना हमें। अगर हमें प्रेफर मिला है, तो प्रेफर के बाद आ रहा है कॉफी, तो कॉफी से टी का हम बता रहे हैं कि हम इसको प्रेफर करते हैं, तो इसमें वैसे भी कंपैरिजन है प्रेफर में, इसलिए हम दोबारा से देन नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे देन का यूज क्या है? गलत। हम इसके क्या यूज करेंगे? प्रेफर आया तो टू, ठीक है ना। आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी। क्लियर। अगला है अलाहाबाद इज फर्दर देन अयोध्या फ्रॉम लखनऊ। तो देखो फिर से फर्दर आ गया ना, ये फर्दर मतलब है आगे, किसके लिए? आगे, वो जो होता है FARTH, वो दूरी में आगे होता है, ये फर्दर मतलब आगे। जैसे तुम जानते ही हो, अगर ये इस तरह से यूपी का मैप है, ठीक है ना, इस तरह से, तो यहाँ पर अलाहाबाद है, ये लखनऊ है, और बीच में अयोध्या है। तो देखो लखनऊ से अयोध्या आगे, अयोध्या से आगे अलाहाबाद है, बोलो है कि नहीं। तो अलाहाबाद आगे पड़ता है किससे? देन अयोध्या। तो तुलना थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे तो ये बोला जा रहा है कि फर्दर है, मतलब आगे की ओर है उससे, अयोध्या से लखनऊ से, तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, क्या आएगा फर्दर के बाद? टू आएगा। समझ गए। अगला देखो, मिस्टर रमन इज जूनियर देन हरी। तो मिस्टर रमन, उसके बाद क्या है? जूनियर आ गया, अभी ने पढ़ा, तो जूनियर आया, तो जूनियर के बाद क्या आएगा? देन नहीं, क्या आएगा? टू, ठीक है, जूनियर टू हरी। इसी तरह से ही इज सुपीरियर, तो सुपीरियर तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आ गया, तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए? टू। टू आ गया, लेकिन हमने ये भी तो देखा कि टू के बाद अब क्या आएगा सुपीरियर वगैरह में, इन सभी कैटेगरी में, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आता है, बोलो आता है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो रॉन्ग हो गई। और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस, और इस वजह से ही की जगह क्या हो जाएगा? हिम। समझ गया कि नहीं? कोई डाउट किसी को? नोट करो। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे लिख लो कि जो ऐसे सेंटेंस में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है ना, और कंपेरेटिव डिग्री होती है, वो एक तरह से यूज होती है। समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात ध्यान रखना। देखो ये डाउट होगा तुम लोग को कि PD और CD क्या हो गया, ये इक्वल कैसे हो गए? ये समझ में आ गया सभी को? आ गया समझ में? किसको आ गया समझ में? अच्छा आया समझ में? देखो ध्यान समझ लो। अच्छा
इसका मीनिंग बस इतना सा है कि हमने जो ये वर्ड लिखे हैं सारे ना, ये सभी पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होते हैं। किस में यूज़ होते हैं? पॉजिटिव में। लेकिन कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन का फॉर्म दिखाते हैं। कोई किसी से अगर छोटा है तो तुलना ही तो है, कोई किसी से जूनियर है तो कंपैरिजन नहीं हो गया? तो डिग्री तो इसकी पॉजिटिव ही है, लेकिन इसका भाव कैसा है कंपैरिजन का। इसलिए ऐसे जितने ही वर्ड्स होंगे तो उनमें ऐसा होता है। तो ऐसे में जब ये पॉजिटिव डिग्री है, बस ये भाव रख रही है कंपैरिजन का, तो क्या इसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री वाला देन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते ना, इसलिए देन नहीं होता है, ठीक है ना। और ये वर्ब के बाद हो रहे हैं सारे, सुपीरियर ये इज आ गई ना वर्ब, फिर सुपीरियर आया, देन हिम जैसे लिखा हुआ मान लो। तो जब ये वर्ब के बाद आ रहा है तो वर्ब के बाद तो सारे ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं भाई, तुलना इससे थोड़ी ना हो रही ही से, ठीक है ना। और तुलना जो हो भी रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में। तो पॉजिटिव डिग्री अगर आई है तो ऑब्जेक्टिव केस अपनी जगह आएगा, ठीक है ना, सेंटेंस में। अगर कंपैरिजन होता तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता, यहाँ इन वर्ड्स में कंपैरिजन का भाव छिपा होता है, ठीक है ना। तो देखो जूनियर मतलब किसी से छोटा, तो कोई किसी की तुलना में छोटा होगा, कंपैरिजन तो हो ही रहा है, लेकिन ही इज़ जूनियर देन राकेश ऐसे नहीं ले सकते हो, ही इज़ जूनियर टू राकेश, ठीक है ना, वह राकेश का जूनियर है। ऐसे ही है ना, आई वुड प्रिफर कॉफ़ी टू टी, मैं कॉफ़ी से चाय पसंद करूँगा, तो तुमने खुद ही प्रेफर कर लिए। तो प्रेफर है पॉजिटिव डिग्री का वर्ड, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, लेकिन इसमें है क्या, अपने आप ऑटोमेटिकली कंपेयर करता है कि मुझे कॉफ़ी ने है ना चाय नहीं पसंद है, क्या पसंद है? कॉफ़ी पसंद है। समझ गए सभी लोग? चलो हम एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं, ठीक है, उसको नोट करो, कोई सेंटेंस करने का प्रयास करो, फिर हम बताते हैं उसके रूल्स। लिखो एक्सरसाइज। जल्दी सेंटेंस सभी बनाओ। देखो भाई ध्यान सुनो, पहला सेंटेंस करते हैं, देखा रवि वॉज मोर बेटर देन विमला, कंपैरिजन हो रहा देन आया क्योंकि हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है तो आगे कंपैरेटिव डिग्री भी है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई समस्या नहीं, लेकिन देखो ना आगे फिर से कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, लगी है ना, तो ये गलत नहीं है यहाँ पर, तो इसको सुपर फ्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर फ्लॉज। ये एक्स्ट्रा है ना यहाँ पर मोर, जब एक बार कंपैरेटिव डिग्री लगी है तो मोर लगाने का क्या मतलब, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव डिग्री में मोर लगा कर कंपैरेटिव बनाते हैं, तो जब पहले से कंपैरेटिव फॉर्म अवेलेबल है उसकी तो मोर क्यों लगाएंगे। बाकी देन विमला तुलना है, सही हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि मोर या फिर लेस का यूज़ हम नहीं करते हैं। कब? जब कोई कंपैरेटिव डिग्री लगी, मतलब जिसमें पॉजिटिव डिग्री में ईआर या फिर आईईआर पहले से ही जुड़ा हुआ, तब। और प्लस आगे क्या आएगा? देन, वो तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ईआर और आईईआर लगाए तो वो अपने आप में क्या बन गई? कंपैरेटिव डिग्री। और अगर वो कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके आगे मोर और लेस लगाने क्या हो जाएगा? सुपर फ्लॉस, मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा, अतिरिक्त, क्या बोलते हैं इसको, सुपर फ्लॉस। पहले भी स्पर्ट सुन चुके हो ना, आगे देखो लिखा है ही इज मोर थिनर देन सी इज, ठीक है ना। देखो देन आया, कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है देन, पहले थिनर आ गया, ठीक है ना, थिन की क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री अगर गिवन है तो आगे मोर लगाने कोई मतलब नहीं। मान लो अगर यहाँ लेस लिखा होता तो लेस लगाने की जरूरत ना होती,
समझ रहे हो ना? क्योंकि जब कंपैरिजन पहले से ही दिया है कंपेरेटिव डिग्री में, तो दोबारा से क्यों यूज़ करोगे मोर या लेस, इसलिए वो कट जाएगा। ठीक, अगला, रमा इज मोर सीनियर देन कर्ण इज। तो फिर से देखो, अभी हमने पढ़ा था ना, ये सीनियर कैसा है, ये सीनियर ऐसा पॉजिटिव डिग्री है, ऐसी पॉजिटिव डिग्री है जो कंपैरिजन ही शो करती, ठीक है ना, लेकिन है तो ये पॉजिटिव डिग्री। तो अगर ये पॉजिटिव डिग्री इसके आगे, तो कंपैरिजन वाला मोर कैसे आ सकता है, चाहे इसमें कुछ भी लिखा हो वर्ड के अकॉर्डिंग, ई आर आई आर हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे मोर नहीं आएगा, लेस नहीं आएगा इसके बाद। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि सीनियर के बाद क्या लगाते हैं, अभी सीखा था क्या लगाते हैं, टू। और जब टू आ जाएगा तो हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और जब एक कर्ण ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो यहाँ पर इज होना रॉन्ग है, इज नहीं आएगा। समझ गया कि नहीं? तो क्या हमने सीखा इसमें कि फिर से हम मोर या लेस का यूज नहीं करेंगे, कब, जब ऐसे वर्ड्स दिए हों जहाँ पर पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री इक्वल होती है, मतलब ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव जो कंपैरिजन ही शो करते हैं, अगर ऐसे दिए हैं एक्सेप्शन, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम क्या यूज़ करेंगे, टू। क्लियर? तो चलो सही करो ये। गर्वित इज मोर प्रेफरेबल देन सी। तो जब प्रेफरेबल लिया हुआ है यहाँ पर पहले से ही, तो प्रेफरेबल तो वही पॉजिटिव डिग्री है ना जो कंपेरिजन का भाव रखती है, और भाव कंपैरिजन का, तो ये मोर कैसे आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डिग्री है, तुमने वैसे भी कंपैरिजन बना दिया, कंपैरिजन हो नहीं सकता, तो ये मोर कट जाएगा। और प्रेफरेबल के बाद क्या आना चाहिए, टू, वो टू लगाओ। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए यहाँ पर, आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि टू आया, इसलिए सीख जाए क्या हो जाएगा, हर। तो हो जाएगा गर्वित इज प्रेफरेबल टू हर। समझ गए? अगला, हीना इज फेयरली मोर सेंसिबल। और लिखा, तनिषा इज कंपेरेटिवली बेटर देन आई एम। देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो, जैसे तो हम तुम्हारा हो गया मॉडरेटली, ठीक है, फेयरली, कंपेरेटिवली, ठीक है ना, ये अपने आप में ही क्या बोलते हैं, इंटेंसीफायर होते हैं, मतलब ये एडजेक्टिव को और इंटेंसीफाई करते हैं, उस पर बल देते हैं, है ना, उसकी शक्ति को, पावर को इंक्रीज करते हैं। तो इनके साथ हम जब यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। और इनकी कैटेगरी क्या बन जाएगी, ये सभी क्या हैं, इंटेंसीफाई करते हैं ना ये, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसीफायर, ठीक है, समझा रहा है ना, INTENSIFIER, है ना, क्योंकि ये इंटेंसीफाई करते हैं पॉजिटिव डिग्री को। तो इस तरह से इनके साथ पॉजिटिव डिग्री हमेशा आती है, ठीक है। अब देखो, जैसे लिखा, हीना इज फेयरली मोर सेंसिबल, तो फेयरली आया ना, क्या कोई कंपैरिजन के लिए कुछ आया है, कुछ देन है क्या, नहीं है। तो जब कंपैरिजन ही नहीं है, फेयरली के तुरंत बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, तो मोर लगा सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए मोर यहाँ पर क्या है, रॉन्ग, तुरंत क्या आ जाएगा, सेंसिबल आ जाएगा। तो हीना इज फेयरली सेंसिबल, मतलब निश्चित रूप से जो हीना है वो क्या है, सेंसिबल है, ठीक। आखिरी देखो, लिखा है, तनिषा इज कंपेरेटिवली बेटर देन आई एम। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार कंपेरिजन आया है, बोलो आया है कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। तो जब कंपेरिजन आया है इस बार, तो कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए, और कंपेरेटिव डिग्री के लिए बेटर इन्होंने यूज़ कर रखा है पहले से ही, ठीक है ना। तो क्या कंपेरेटिवली यूज़ करेंगे वर्ड, नहीं, क्योंकि तो पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है ना हमेशा, इसलिए इसका यूज़ क्या है यहाँ पर, सुपर क्लॉज है, गलत है। समझ गया कि नहीं? यहाँ पर ये क्या था, ये पॉजिटिव डिग्री के लिए आ रहा था, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, यहाँ तो कंपैरिजन है ना, और अगर कंपैरिजन है तो कंपेरेटिव डिग्री भी दी गई है हमें, इसको लगाते हैं हम किसके साथ हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री को इंटेंसीफाई करता है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री वाला काम ही नहीं हो रहा है कोई, क्योंकि यहाँ तो कंपेरिजन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिवली ये क्या है, रॉन्ग है, इसको नहीं लिखेंगे। तो जाएगा, तनिषा इज बेटर देन आई एम। समझ गया कि नहीं? कोई डाउट किसी को, इसमें नोट कर लो, नोट कर लिया सभी ने, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है इसमें, क्यों, समझ आ रहा, समझ में नहीं, चलो आगे सेंटेंस लिखो।
एक और एक्सरसाइज लिखो। नोट कर लिए सेंटेंस सभी ने, जल्दी से नोट करो। देखो भाई, देखो जब कभी भी एंड दिया हो या फिर कोई अदर कंजंक्शन दिया, ठीक है ना, कंजंक्शन जानते हो ना, जो दो वर्ड्स या सेंटेंस को ऐड करते हैं, जब भी कभी एंड या कोई अन्य कंजंक्शन दिया हो और इसके पहले अगर पॉजिटिव डिग्री आ रही, तो ध्यान रखना डिग्री अगर जोड़नी है तो पॉजिटिव से कौन सी जुड़ती है, पॉजिटिव। समझ गया कि नहीं? बात समझ में। अगली बात, हमेशा ध्यान रखो कि कंपैरेटिव डिग्री अगर आई है तो उससे क्या ऐड होगी, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। बात समझ में कि नहीं? और अगर सुपरलेटिव डिग्री आई है, क्या आई, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से क्या कनेक्ट होगी, सुपरलेटिव डिग्री। समझ गया ना? सुपरलेटिव डिग्री जानते हो, है ना, गुड बेटर बेस्ट हमने पहले बताया था। एक चीज़ और ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द आता, ठीक है, फिलहाल इसके लिए जरूरी है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। बाकी सुपरलेटिव डिग्री जानते हो तो थोड़ा बहुत हो ही। लिखा है मदन इज स्ट्रॉन्गर एंड इंटेलिजेंट देन अनुभव। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्गर आ रहा है, ये कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव है, देखो ना ER आया। हमने कहा कि अगर एंड से जुड़ेंगे तो आगे क्या आनी चाहिए, डिग्री, क्योंकि दो डिग्री जुड़ रही है ना, एडजेक्टिव दो जुड़ रहे हैं ना, तो जो भी एडजेक्टिव ऐड हो रहे होते हैं अगर उसमें पहला पॉजिटिव डिग्री का है तो दूसरा भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये कंपेरेटिव तो ये भी कंपेरेटिव, अगर ये सुपरलेटिव तो ये वाला भी सुपरलेटिव, मतलब सेम होने चाहिए, ठीक। यहाँ पर ये कंपेरेटिव है, क्या ये कंपेरेटिव है इंटेलिजेंट, नहीं। कब कंपेरेटिव होगा, जब क्या क्या लग देंगे हम, मोर। अब हो गया कि नहीं, देन अनुभव, हो सही हो गया। समझे कि नहीं समझे? अगला, सी लुक्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड देन हिम। अब देखो यहाँ पर हैप्पी आया, सेटिस्फाइड आया, आया कि नहीं आया, ये भी पॉजिटिव डिग्री और ये भी पॉजिटिव डिग्री होता है ना, लेकिन दोनों पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं जब आगे क्या आ गया है, देन। किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा वो क्या है, हैप्पी और सेटिस्फाइड है, तो कंपेरेटिव डिग्री का भाव आ गया ना, क्योंकि देन है, और कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए, तो सेटिस्फाइड क्या हो जाएगा, इसको कैसे बनाएंगे, मोर लगा के बनाएंगे, मोर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। वर्ब कभी भी थर्ड फॉर्म में लिखी हो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो उसके आगे मोर या मोस्टली लगा के उसको पॉजिटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक। और हैप्पी जो आगे लिखा है ये भी कंपेरेटिव फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि कंपेरेटिव बन गया, तो हैप्पी कब कंपेरेटिव होगा, जब वाई जे क्या आ जाएगा, आई ई आर, हैप्पियर होता हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अगला, आयसा इज जूनियर एंड लेस एक्सपीरियंस देन लक्ष्मी। फिर से देखो यहाँ पर देन आ गया ना, कंपेरिजन आ गया, और अगर कंपेरिजन आ गया तो देखो ये तो सही है, लेस के साथ एक्सपीरियंस जा रहा है, कंपेरेटिव डिग्री दी गई है, बोलो है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो जूनियर आया, अब हम जानते हैं कि जूनियर के बाद देन आता नहीं, जूनियर के बाद क्या आता लक्ष्मी, टू आता, आता ना मानी टू, तो जूनियर के बाद टू आता है, इसलिए यहाँ पर हमें टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो ऐड हो रहे हैं एक टू वाला है, ठीक है ना, और एक कंपेरेटिव डिग्री वाला ही है, तो अपना अपना भाव उनका क्लियर हो सके, इसलिए इसके बाद देन ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या लगाना है, टू। समझ रहे हो, मतलब जूनियर भी है ऐसा लक्ष्मी से और लेस एक्सपीरियंस भी है लक्ष्मी से, ठीक है। अगला, सर्वेश वॉज मोर टैलेंटेड एंड प्रायर देन सीज। फिर से देखो देन आया ना, कंपेरिजन है ना, लेकिन यहाँ पर ये देखो मोर टैलेंटेड आया है तो सही है भाई, कंपेरेटिव डिग्री है, बोलो कंपेरेटिव डिग्री है कि नहीं, लेकिन यहाँ तुम जब प्रायर को देखोगे तो प्रायर वो पॉजिटिव डिग्री है जो कंपेरिजन का ही, कंपेरिजन ही शो करती, ठीक है ना, तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, टू। साथ ही साथ टू के बाद क्या लगता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये सीज नहीं हो सकता यहाँ पर, तो गलत हो गया, क्या आएगा, हर।
हर इज मत लिख देना, हर अभी बताया था, लेकिन यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर गलत हो गया ना। मोर टैलेंटेड है, अभी ने बताया देखो जूनियर के बाद टू लगाना पड़ेगा ना, तो मोर टैलेंटेड बाद क्या लगाएं इसमें, क्या लगाएं? अच्छा क्या लगाए प्रांस से? अरे बेवकूफों मोर टैलेंटेड लिखा है, ये क्या प्रायर सीनियर जूनियर वाला है क्या? क्या लगता है इसके आगे? देन लगता है, तो देन आएगा यहाँ पे बेवकूफों। अजीब पागल हो तुम लोग यार। प्रायर वो वर्ड है ना, प्रायर, प्रिफर, प्रेफरेबल, फर्दर, जूनियर, सीनियर, इन्फीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ये थे ना, एंटीरियर, एक्सटीरियर, उनमें टू लगता है सभी में। तो इनकेस ये प्रायर वही वाला वर्ड है जहाँ पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री के तरह ही कर चलती है, तो इनके आगे टू लगाना है क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री तो है नहीं, है तो पॉजिटिव डिग्री ही, लेकिन यहाँ पर तो ये कंपेरेटिव डिग्री है ना, मोर के साथ आ रहा है देखो थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री के लिए हम देन लगाते हैं, इसलिए देन लगेगा, इसके लिए टू लगाते हैं इसलिए टू लगेगा, जो पास में होगा उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। पहले ये बाद में था देखो, तो देन लगा था तब यहाँ टू लग गया था खाली, इस बार देखो ये आगे आ गया तो यहाँ देन लग जाएगा, यहाँ टू लग के वो चेंज हो जाएगा, वहाँ चेंज नहीं हो सकता। ठीक, अगला माई फ्रेंड इज द बेस्ट एंड ट्रस्टेड इन दिस ऑफिस। अब देखो द बेस्ट आया कि मेरा जो फ्रेंड है वो बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, अगर ये सुपरलेटिव है तो एंड आया तो ये भी क्या होनी चाहिए, सुपरलेटिव, तो इसको सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे जब इसके आगे हम क्या लगा देंगे, मोस्ट, दोबारा से आर्टिकल मत लगाना, ठीक है ना, क्योंकि एक बार लगा हमने डिग्री जोड़ी दोनों सुपरलेटिव, ठीक है ना, आर्टिकल नहीं जोड़ा है, एक ही व्यक्ति की है क्वालिटी से एक बार आएगा था। ठीक, अगला ही इज रेप्यूटेड एंड सीनियर देन विजय। तो देखो सीनियर के बाद क्या लगता है बताओ, अच्छा ये रेप्यूटेड आया, दोनों कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है विजय से इसका ही का, तो रेप्यूटेड क्या है, देखो रेप्यूटेड वर्ब होती है ना, तो वर्ब कैसे बनती है, कंपेरेटिव, जिसके आगे हम क्या लगा दें, मोर, कंपेरिजन में लगाना इसलिए मोर, सुपरलेटिव डिग्री में लगाते तो मोस्ट लगाते, लेकिन ये देखो ना सीनियर के बाद क्या लगता है, देन लगता है क्या, नहीं, क्या आएगा, टू, और ये तो नेम है इसलिए ऑब्जेक्टिव केसेस का ये रहता है, सेम है, सही हो, आई बात समझ में कि नहीं, किसी कोई डाउट है इसमें, कोई समस्या, कुछ ना आया हो, क्लियर है ना ये सभी को, कुछ पूछना, देख लो, अच्छा जल्दी से देख लो, किसी कुछ ना आए तो मैं बताओ, अरे ये सही कर लो, ठीक है ना, रेप्यूटेड वर्ड क्या लगेगा, देन, अब तो कोई डाउट नहीं ना भाई, मोर लगा रहे हो तो देन लगाना जरूरी, ठीक है ना, सीनियर के बाद टू आएगा, अब दोनों सही हो गए, ठीक है स्ट्रक्चर, तो यहाँ तक प्रिपेयर कर लो, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, चलो भाई देखो अगली एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं, लिखते जाओ जल्दी से, नोट कर लिया सभी ने सेंटेंस, क्यों भाई ये सेंटेंस जल्दी से करो, देखो भाई एक नई चीज़ समझ लो, ये सारे सेंटेंस जो हैं ये हैं सिलेक्शन के, आउट ऑफ कंपैरिजन, तुम सेंटेंस में देखोगे इनमें क्या मिलेगा कि तुम इनको कंपेयर तो कर रहे हो, लेकिन कंपेयर करने के साथ साथ इनमें किसी को सेलेक्ट भी कर रहे हो, ऐसा कंपैरिजन, जैसे तुमने लिखा इन दीज टू ब्रदर्स, दो भाइयों की बात तो की है लेकिन पहले तो कंपैरिजन किया है, सीधी सी बात है, उसके बाद राजा को बता दिया क्या, एक्टिव बताया है ना, तो ऐसे में क्या होता है कंपैरिजन करते करते हम किसी को सेलेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको एडिंग क्या मान ली हमने, सेलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, होता क्या इसमें, इसमें यह होता है कि अगर इन एमंग बिटवीन, ठीक है ना, और देन या टू, ये सभी आ रहे हूँ, ठीक है ना, और दो लोगों में सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ कंपेयर करते हुए, तो ध्यान रखना इन कब इनको कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ये रॉन्ग होते हैं, तो हम यूज़ क्या करते हैं, हम इनकी जगह यूज़ करते हैं ऑफ को, किसको यूज़ करते हैं, ऑफ को, अब फिर से दो बातें, ऑफ तो यूज़ करते करते हैं,
लेकिन जब ऑफ हम यूज कर रहे हो और दो पर्सन हो तो ध्यान रखना हम मोर के साथ पीछे वहीं लिखते हैं, जब दो पर्सन होंगे या फिर दो से ज्यादा पर्सन होंगे, ठीक है। तो जब दो हो तो आगे क्या आएगा, तो आगे आएगा द प्लस मोर, समझ रहे हो कि नहीं। और जब दो से ज्यादा लोग हो जाए तो क्या आएगा, द प्लस मोस्ट, ठीक है ना। मोर क्या, यहां पर तुम कंपेरेटिव डिग्री लिखो, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री आएगी द के साथ, यहां पे क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री द के साथ, समझ रहे हो कि नहीं। नहीं बात समझ भाई, इनका यूज नहीं करते हैं, इन अमंग बिटवीन देन टू का। सिलेक्शन कैसे होगा, या तो दो लोगों में हो रहा होगा या दो से ज्यादा लोगों में होगा। अब दो लोगों में हो रहा तो कंपेरेटिव डिग्री आती है, तो हम द के साथ यूज करेंगे कंपेरेटिव डिग्री। और जब दो से ज्यादा लोगों में सेलेक्ट करेंगे तो हम द के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो लिखा है इन दीज टू ब्रदर्स, तो पहले तो इन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ, समझ रहे हो ना। ऑफ दीज टू ब्रदर्स राजा इज एक्टिव आया ना। अब एक्टिव क्या है, पॉजिटिव डिग्री। हमने क्या कहा, अगर दो लोग हैं तो होनी क्या चाहिए, कंपेरेटिव डिग्री, लेकिन किसके साथ, द के साथ, तो क्या हो जाएगा, राजा इज द एक्टिव, ठीक है ना। अब एक्टिव कंपेरेटिव तो बनाओ, एक्टिव कंपेरेटिव क्या होती है, एक्टिवर होती है ना, समझ रहे हो ना। एक्टिवर बोल सकते हो या मोर एक्टिव बोलो, क्या बोलोगे, मोर एक्टिव, तो द मोर एक्टिव। लेकिन ध्यान रखना हमने एक्टिव को कंपेरेटिव डिग्री में बनाया है, द मोर का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री का। अगला देखो, बिटवीन द ट्विंस, ट्विंस का मतलब ही दो लोग होता है, तो ट्विंस यहां आना क्या चाहिए, पहले तो ऑफ, ऑफ द ट्विंस महक इज इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री, हमें क्या रखनी है, कंपेरेटिव। कैसे बने कंपेरेटिव, जब द के साथ हम क्या लगा देंगे, मोर, समझ गए, महक इज द मोर इंटेलिजेंट। अगला देन द टू सिस्टर्स, फिर से दो लोग हैं तो देन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ, ऑफ द टू सिस्टर्स मानवी इज, मानवी इज कंपेरेटिव डिग्री आने चाहिए ना द के साथ, क्योंकि दो लोग हैं, तो पहले तो क्या क्या लगेगा, द लगेगा, लेकिन फनी की होती है ना, क्या होती, फनियर, समझ रहे हो ना, तो द के साथ क्या आएगी, कंपेरेटिव डिग्री। अब अगला देखो, Among all the boys, among हमने क्यों यूज़ किया था यहाँ पर, क्योंकि हम जानते थे दो से अधिक लड़के हैं तभी among आता, तो पहले तो among नहीं होगा, क्या होगा, off, क्योंकि हम select कर रहे हैं, देखो आगे अमन seems attentive, तो अमन attentive है ना, लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं ना, तो superlative degree आने चाहिए, तो attentive से आगे हम superlative बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे the most, समझ गए कि नहीं। अगला है इन दीज टू नॉवेल्स, फिर से इन आ गया, इन नहीं होगा, क्या होगा, ऑफ, ऑफ दीज टू नॉवेल्स, तो देखो अब फिर से क्या आ गया, टू, लेकिन यहां पर देखो टू का आया है, लेकिन फर्स्ट की बात कर दी कि है ना, ध्यान रखना जब दो लोग हों, ठीक है ना, तो ध्यान रखना दो लोगों के लिए फर्स्ट और सेकेंड नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर्मर और लेटर, क्या यूज करते हैं, फॉर्मर एंड लेटर, पढ़ चुके हो ना पहले ही, बताया था हमने, लेकिन कब, जब दो लोगों में कंपेरिजन हो, दो नंबर्स, ठीक है, दो लोगों, इस वजह से ऑफ दीज टू नॉवेल्स क्या हो जाएगा, द फर्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, द फॉर्मर। तो ये तो यहाँ का सुधार हुआ, लेकिन इसके बाद होना क्या चाहिए, कंपेरेटिव डिग्री द के साथ, वो भी तो इंटरेस्टिंग, कंपेरेटिव कब होगी, जब मोर लगाओगे इसमें, लेकिन द के साथ लगाना, इसलिए क्या हो जाएगा, द मोर इंटरेस्टिंग। अगला है इन ऑल द स्टूडेंट्स, फिर से इन आ रहा है, आगे हम सिलेक्शन कर रहे हैं कंपेरिजन करते हुए, तो क्या आ जाएगा फिर से, ऑफ, तो ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स द लेटर वन होगा, नहीं, जब दो से ज्यादा लोग होते हैं, क्या कहा हमने, जब लोगों की संख्या दो से ज्यादा हो तो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट, और इसके बाद जो सबसे लास्ट में आ रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, लास्ट, क्या उसको लेटर बोलते हो, बाद वाला, नहीं, क्या बोलते हैं, लास्ट। तो पहले के लिए फर्स्ट आएगा, सबसे बाद वाले के लिए लास्ट आएगा,
इसलिए द लेटर लिखना गलत है क्योंकि कई लोगों में हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, द लास्ट, तो हमने यहाँ लास्ट कर दिया। लेकिन अब कई लोग हैं तो यहाँ पे आनी चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडियस में क्या हो जाएगा, द मोस्ट स्टूडियस, समझ गए, स्टूडियस मतलब होता है जो पढ़ने में लगा रहता हो, अध्ययनशील हो, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, क्यों भाई, इसको प्रिपेयर करो जल्दी से, नोट करो। देखो आगे इसको रफ करने, किसी कुछ पूछना है इससे, मेरी बात से सहमत हो ना सभी लोग कि जब भी कंपैरिजन हो रहा होगा और किसी एक को सेलेक्ट किया जा रहा होगा तो हमेशा ही हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और द के साथ, ठीक है। साथ ही साथ बिटवीन है ना, टू, इन, अमंग, ठीक है ना, देन, इन सभी के स्थान पर हम यूज़ करते हैं ऑफ, क्लियर। चलो हम अगली एक्सरसाइज लिख रहे हैं, जल्दी से नोट करो। चलो सेंटेंस सही करो सभी लोग। देखो भाई पहला सेंटेंस देखो, लिखा ही इज मोर सेंसिटिव देन करीम इज, ठीक है। ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस आ रहा। कंपेरिजन किससे होगा, सब्जेक्टिव केस से ही, और करीम भी सब्जेक्टिव केस में ही है, बोलो है कि नहीं। आगे देखो क्या लिखा है, यहाँ देन का यूज किया गया है, देन यूज होता है कंपेरेटिव डिग्री के लिए, तुलना करने के लिए। कंपेरेटिव डिग्री आनी चाहिए इसके पहले, तो देखो मोर के साथ सेंसिटिव यूज हुआ, कंपेरेटिव डिग्री है ये, कोई डाउट सेंटेंस में, सही है ये सेंटेंस क्या है अपने आप में, सही। अगला देखो, संभवी वॉज क्लेवरर देन वाइजर इन दिस कोचिंग, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, संभवी है ना, संभवी सब्जेक्ट है, लेकिन जिससे भी संभवी का कंपेरिजन हो रहा है क्या वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर वो बात दी गई है, जिससे भी हो रहा हो कंपैरिजन नहीं दिया गया ना। समझोगे तो समझ में आएगा कि क्लेवर और वाइज होना ये दोनों ही क्वालिटी किसकी हैं, सेम पर्सन की, संभवी की, ठीक है ना। तो जब किसी भी पर्सन, एनिमल, ग्रुप, आर्टिकल की ही दोनों क्वालिटीज दी गई हैं, है ना, सेम पर्सन, आर्टिकल, ग्रुप की दो क्वालिटीज दी गई हूँ और उन्हीं में कंपेरिजन किया जा रहा हो कि ये क्वालिटी ज़्यादा है, ये क्वालिटी कम है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये तो पता ही तुम लोग को, तो ध्यान रखो हमेशा ही हम दोनों जगह पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। दोनों जो कंपेरिजन की जो सॉरी जो एडजेक्टिव आ रहे हैं वो दोनों किस डिग्री में चले जाएंगे, पॉजिटिव में, बीच में क्या आएगा, देन। बात समझ आ रही कि नहीं, किसी को डाउट है। इसके बाद जो पहली पॉजिटिव डिग्री है उसके पहले क्या आता है, द। लेकिन ये कब होता है, जब सेम पर्संस की है ना, सेम पर्सन, ग्रुप, आर्टिकल, एनिमल, जो भी हो एटसेट्रा, इसी की हमने क्या किया हो, टू क्वालिटीज़ को कंपेयर किया हो, टू क्वालिटीज़ आर कंपेयर्ड, कोई डाउट किसी को। तो हमेशा ही हम ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हम दोनों ही क्वालिटीज़ को देन से जोड़ते हैं, दोनों को पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं और पहली पॉजिटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, द लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं, ध्यान रखो कि जो पहली पॉजिटिव डिग्री होगी इसके पहले हम लगाएंगे क्या, लगाएंगे मोर। जो पिछला रूल था उसमें क्या था, उसमें द लगता है, इस वाले में द नहीं लगता है, इसमें पहली पॉजिटिव डिग्री ज़्यादा है ना, पहली क्वालिटी ज़्यादा है ना, इसलिए पहली क्वालिटी को ज़्यादा बताने के लिए मोर लगाते हैं, और चूंकि मोर लगाया है तो देन तो लगेगा ही लगेगा।
समझ रहे हो? देन क्या होता है? कंजंक्शन होता है, दोनों को जोड़ता है। समझ गए? अब देखो तो लिखा है संभवी वॉज क्लेवर देन वाइजर इन द कोचिंग। तो क्लेवर और वाइज दोनों ही संभवी की क्वालिटी हैं, ये ज़्यादा है ना, इसी वजह से हम इसको पहले तो पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? ER कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? संभवी वॉज क्लेवर, लेकिन ये ज़्यादा है क्वालिटी, तो इसमें क्या लगाएंगे हम? मोर। देन यहाँ क्या हो जाएगा? वाइज इन दिस कोचिंग। समझ गया ना? क्योंकि देन आया तो मोर तो लगना जरूरी है, नहीं लगना चाहिए। अगला देखो, सैफाली बिकेम टॉलर देन स्ट्रॉन्गर देयर। अब टॉल और स्ट्रॉन्ग दोनों ही सैफाली क्वालिटी, ठीक है ना, सेम पर्सन है, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों क्वालिटीज़ में कंपैरिजन हो रहा है और इसी वजह से हम दोनों क्वालिटीज़ को पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे, इसीलिए टॉल बोलेंगे और क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। समझ गए हो? लेकिन जो क्वालिटी ज़्यादा है, जो पहले ली गई, उसके आगे क्या लगाएंगे हम? मोर। समझ रहे हो ना? जब पॉजिटिव डिग्री लेनी तो मोर लगाना नेसेसरी, इसलिए मोर जरूर आएगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ टॉलर लिखा रहे दो कि कंपैरेटिव डिग्री बोली गई थी, हमने कंपैरेटिव डिग्री नहीं बोली है, हमने बोला है पॉजिटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाएंगे? मोर। समझ रहे हो बात को कि नहीं? कोई भी यहाँ पे सफाली बिकेम टॉलर देन स्ट्रॉन्ग देयर नहीं लिखेगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला, न्यू दिल्ली इज प्रायर टू लखनऊ। अब देखो, लखनऊ सब्जेक्टिव केस और न्यू दिल्ली सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। हमें पता है जब ये प्रायर आता है, ये कंपैरिजन के लिए ही बना होता है, ठीक है ना, और कंपैरिजन के लिए बना होता है, इसलिए इसके आगे हम देन का यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं? टू। तो सेंटेंस सही है, ध्यान है ना, बताया था प्रायर, प्रेफरेबल, प्रेफर, फर्दर, इन सभी के साथ क्या यूज़ होता है कंपैरिजन में? टू यूज़ होता है ना, इनके साथ कभी हम देन का यूज़ नहीं करते, तो ये सेंटेंस तो सही है। लेकिन आगे देखो, न्यू दिल्ली इज़ प्रायर टू क्लीन इन इंडिया। अब न्यू दिल्ली की ही दो क्वालिटीज़ दी गई कि वो प्राथमिक है, प्रमुख है और क्लीन भी है। तो हमने अभी क्या बताया कि दोनों पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, तो पहली पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हमने क्या बोला, बीच में क्या होता है? देन। अब प्रायर आया चाहे कुछ भी आए, हम कंपैरिजन तो कर नहीं रहे, क्वालिटीज़ को ही कंपेयर कर रहे हैं ना, सेम सिटी की, इस वजह से यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? देन। और प्रायर से पहले क्या आ जाएगा? मोर। समझ रहे हो ना? क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली इज मोर प्रायर देन क्लीन इन इंडिया, सेम रूल चलेगा, चाहे प्रायर आए, प्रेफरेबल आए, फर्दर आए या कुछ भी आए। समझ रहे हो? अगला, वाणी हैज बीन सीनियर टू मोर एक्सपीरियंस इन द ऑफिस। फिर से देखो, सीनियर आ रही क्या? पॉजिटिव डिग्री ना, तो पॉजिटिव डिग्री है ये, चलो। लेकिन आगे जो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए उसको तो कंपैरेटिव में लिख दिया गया है ना, तो पॉजिटिव करो, इसलिए मोर कट जाएगा। साथ ही साथ हमने बोला तो बीच में क्या लगाते हैं? देन। तो यहाँ देन आ जाएगा, और सीनियर के पहले किसका यूज़ किया जाएगा? मोर का। तो जाएगा, वाणी हैज़ बीन मोर सीनियर देन एक्सपीरियंस इन द ऑफिस। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो जब भी सेम पर्सन, ग्रुप, आर्टिकल, एनिमल या कुछ भी हो, सेम हो, उसी की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा हो, तो ऐसे हम क्या करते हैं? हम दोनों क्वालिटीज़ को पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं, उनके बीच में देन का यूज़ करते हैं, और पहली क्वालिटी से पहले मोर का यूज़ करते हैं। समझ गया कि नहीं? बात समझ में आई? नोट करो। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है सभी? ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, किसी को डाउट तो नहीं है? क्यों भाई, नहीं है ना? अगली सुपरलेटिव डिग्री, समझ लो सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो, जब भी कंपैरिजन कई लोगों में किया जाए, है ना, कई वस्तुओं में, ठीक है ना, तो हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, है ना। तो कंपैरिजन तो होगा, लेकिन नंबर क्या होगा? पर्संस का, आर्टिकल्स का, ग्रुप्स का, एनिमल्स का, किसी का भी हो, ठीक है ना, लेकिन वो दो से ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो आएगी सुपरलेटिव डिग्री। और बनाते कैसे हैं जनरली इसको? किसी भी पॉजिटिव डिग्री में हम EST लगा दें या IEST लगा दें, तो क्या बन जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री प्लस
नहीं बात समझ आई, या फिर पॉजिटिव डिग्री लिखी रहे तो हम क्या लगा देंगे इसमें, मोस्ट या फिर लीस्ट। कोई डाउट किसी को? इससे बनती है सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनती, कई बार अलग तरीके से बनती है। जनरली आते हैं एसटी जरूर आएंगे। जैसे तुम बैट को देखो, बैट का वर्स और वर्स्ट होता है डब्ल्यू आर एस टी, तो एसटी तो आता ही ना, गुड बेटर बेस्ट होता है, अगली अगलियर अगलीस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल या लीस्ट ब्यूटीफुल, कम है तो लीस्ट, अधिक है तो मोस्ट। क्लियर ना? तो देखो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, दो लोगों से ज़्यादा में कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा है ये सेंटेंस ध्यान से देखो सभी लोग, जैसे लिखा है सौम्य इज स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो पहला रूल तो ये होता है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाएगी, देखो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, हमने इसमें ई एस टी लगाया, क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाती है तो उसके पहले द जरूर आता है, क्या आएगा, द। बात समझ आ रही है? तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, द आएगा। और ये किसके साथ यूज़ की जाती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अरे कोई दिक्कत नहीं उसके वजह से अलग, ठीक है, ये बस ध्यान रखें कि सुपरलेटिव डिग्री किसके साथ आती है, द के साथ। कोई डाउट किसी को इसमें? एक और देखो, हमने लिखा है इन ऑल द ट्रेन्स द राजधानी एक्सप्रेस इज बेटर। पहली गलती क्या है लक्ष्मी सिंह से बताओ, हैं क्या? हाँ, पहली गलती क्या है, पहले तो यहाँ क्या होगा, ऑफ, गुड, इन नहीं लगता है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, फिर एक को बता रहे हैं, बात तो वही लग रही है, लेकिन इस बार क्या बता रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में, अभी पढ़ा भी था। तो देखो यहाँ पर इसके बाद क्या, देखो यहाँ पे कई ट्रेन्स हैं ना, इंडिया में दो ट्रेनें चलती हैं क्या, बहुत सारी चलती हैं, उसमें राजधानी एक्सप्रेस को बताया गया सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छी है ना, बेटर थोड़ी ना, क्या होगा, इज द बेस्ट। अगला है आकाश इज द माई बेस्ट फ्रेंड। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर पजेसिव केस यूज हो जाए तो कभी भी द नहीं आएगा फिर, समझ रहे हो कि नहीं। तो आकाश इज द माई बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आकाश इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या बात समझ में आई, समझ में ये आया कि जब भी, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर पजेसिव केस आ जाए, क्या आ जाए, पजेसिव केस, तो इसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हो। अब पजेसिव केस दो तरीके से आ जाता है, कैसे कैसे आते हैं, दो तरीके से, या तो आ रहा होगा माई, है ना, अवर, योर, है ना, एटसेट्रा, इस तरह से, या फिर क्या होगा, नाउन में हमने क्या लगा दिया होगा, अपोस्ट्रोफियस, तो ये भी तो हो सकता है। जैसे नाउन के अपोस्ट्रोफियस का एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं, इसने बोला द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बैंक इज
द एसबीआई, ठीक है। अब द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बैंक इज द एसबीआई लिखा हुआ है, तो देखो ट्रस्टेड क्या है यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री। ट्रस्टेड क्या है, सुपरलेटिव है। कैसे बना ट्रस्टेड सुपरलेटिव डिग्री, जब हमने इसके क्या लगा दिया, मोस्ट, क्योंकि कुछ में ईएसटी या आईएसटी लगता है, कई में मोस्ट या लीस्ट लगाना पड़ता है। तो ट्रस्टेड क्या है, एक वर्ब है ना, जब भी वर्ब अपने पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म में दी गई हो तो उसके आगे मोर या मोस्ट लगाने से वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होती है, ये ध्यान रखो। तो जैसे हमने मोस्ट लगा दिया तो क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री पहले क्या आ रहा है, पजेसिव केस आ रहा है ना, एक नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस है, दैट मीन पजेसिव केस है, तो क्या दा लगाएंगे इसके पहले, नहीं। क्या होगा, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बैंक इज द एसबीआई, किसी भी इंस्टीट्यूट के पहले हम दा लगाते हैं, इसलिए दा लगा हुआ, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। किसी कुछ पूछना तो बताओ, नोट करो, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को तो बोलना मत, ठीक है ना। पॉजिटिव केस आएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर, तो उसके पहले दा नहीं लगेगा, ठीक है ना। जनरली सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, दा। हम एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं, सभी लोग नोट करो। जल्दी सभी लोग करो इन सेंटेंस को सही। देखो भाई, लिखा हुआ है शालिनी हैज़ द राउंडेस्ट फेस इन अवर फैमिली। एक चीज बताओ, मानवी के पास एक प्लेट है, ठीक है, ऐसी एक गोल प्लेट ले रखी इन्होंने, ठीक है, इनके पास एक क्या गोल प्लेट है, ये मानवी की है। साइड से लक्ष्मी आ गई, कहती मेरे पास भी एक गोल प्लेट है। अब दोनों में क्या हो गया, झगड़ा। ये कह रही नहीं, मेरी मेरी ज़्यादा गोल है, तुम्हारी कम गोल है। वो कह रही मेरी ज़्यादा गोल है, तुम्हारी कम गोल है। समझ रहे हो ना। एक चीज बताओ, गोल तो गोल होता है, राउंड तो राउंड, कम राउंड ज़्यादा राउंड हो सकता है, बताओ हमें। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी जो गोल चीज़ है वो ज़्यादा गोल हो, मेरी गोल कम गोल। गोल तो गोल, राउंड तो राउंड, ऐसा है कि नहीं। इसी तरह से मान लो किसी के पास एक चौकोर मोबाइल है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति के पास भी है, थोड़ी साइज बड़ा है लेकिन है रेक्टेंगुलर ही, तो फिर झगड़ा हो गया कि मेरा ज़्यादा रेक्टेंगुलर है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं नहीं हो सकता ना। फिर एक दिन दोनों मिली, एक बार लड़ गई, किसी ने समझाया नहीं, हमसे मिली नहीं थी। फिर एक दिन आई मानवी, आई ग्रीन ड्रेस पहन के, ब्लू ड्रेस पहन के, ये आ गई, ब्लू ड्रेस पहने इसलिए इनके आउटलाइनिंग ब्लू आ रही। ये लक्ष्मी उधर से आ गई ब्लू ड्रेस पहन के, फिर झगड़ा हो गया। इन्होंने कहा मेरी ज़्यादा ब्लू है ड्रेस, तुम्हारी कम है। तो ये कह रही आई हैव द ब्लूएस्ट ड्रेस इन दिस वर्ल्ड, क्या बोल रहे हैं, ब्लूएस्ट या द मोस्ट ब्लू ड्रेस, ऐसा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं, संसार छोड़ो, दुनिया छोड़ो, मेरी मोर ब्लू है, ठीक है ना, माई ड्रेस इज मोर ब्लू देन दैट ऑफ योर्स। क्या गलत बात कर रही है दोनों, गलत बात। भाई ब्लू है तो ब्लू है, ज़्यादा ब्लू कम ब्लू क्या, मेरी भी ब्लू है, तुम्हारे भी ब्लू है, यही तो हो सकता। तो कलर की एक बात हो गई, यहाँ शेप की देखो बात हो गई। तो कई ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो ग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक, नॉन ग्रेडेबल होते हैं, मतलब उनको तुम छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो, है ना, उनमें कंपेरिजन नहीं कर सकते हो, उनमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। तो हम तुम्हें नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स लिखाने जा रहे हैं। क्या लिखाने जा रहे हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। नॉन ग्रेडेबल लिखना मूर्खों, डिग्रेडेबल मत लिख देना, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। नॉन ग्रेडेबल मतलब जिसमें ग्रेड निर्धारित हो सकता है, जिसमें डिग्री निर्धारित नहीं हो सकती। डिग्रेडेबल मतलब जिसमें डिग्रेड कर सको, ठीक है, वो अलग ही वर्ड हो जाएगा। जैसे पहला देखो, हमें लिखा है शालिनी हैज़ द राउंडेस्ट फेस इन अवर फैमिली। तो भाई राउंड फेस तो हो सकता है, लेकिन अब शालिनी का फेस ऐसा राउंड है, ठीक है ना, फिर उसके भाई का फेस इस तरह से हो गया मान लो,
ठीक है ना, एक ये पारस आ गए इनका, फिर ऐसा समझ लो, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के से मतलब फेस है ना, तो जिसका राउंड होगा उसी का तो राउंड होगा। ये राउंड कैसे बोल सकते हो, ये दोनों का झगड़ा करें, मेरा ज्यादा राउंड है तुम्हारा कम राउंड है, तो राउंड है या तो दोनों का या फिर किसी एक का या दोनों का, नहीं है, कम ज़्यादा राउंड तो हो नहीं सकता, इसी वजह से राउंडेस्ट नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ राउंड। तो क्या हो जाएगा, शालिनी हैज द राउंड फेस, ठीक है ना। अब फेस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो ये जो दा लगा इसकी भी नीड नहीं है कोई, तो शालिनी हैज राउंड फेस इन अवर फैमिली, मतलब हमारी फैमिली में शालिनी का जो फेस है वो क्या है, राउंड, ठीक है। अगला, द कैलाश इज द मोस्ट यूनिक माउंटेन। अब यूनिक जो वर्ड होता है, यूनिक का मतलब होता है कि जिसके इक्वल कोई दूसरा ना हो, तो जब ये इसके समान कोई है ही नहीं तो तुलना किससे करोगे इसकी, क्या किसी से इसका कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की कैटेगरी में, इसलिए इसके आगे सुपरलेटिव डिग्री बनाना रॉन्ग हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अभी माउंटेन है तो माउंटेन के आगे द लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, द यूनिक माउंटेन, ठीक है, लगा रहे दो। अगला, दिस वॉज द मोस्ट एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग। अब एक्सटीरियर माने क्या होता है, जो बाहर हो, जो बाहर है वो बाहर है, कम बाहर ज़्यादा बाहर क्या होगा, होगा क्या, नहीं होगा ना, इसलिए इसके आगे भी जो मोस्ट आए भी रहोगे, तो दिस वॉज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग। अब पार्ट अनकाउंटेबल ना होने, तुम इसके आगे द लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, निश्चित कर रहे हो तो लगा दो, नहीं कर रहे हो निश्चित तो मत लगाओ, ठीक है ना, दोनों सही। अगला, गुड डीड्स आर मोर एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मतलब क्या होता है बताओ। अच्छा, एवर लास्टिंग मतलब होता है जो हमेशा रहे, जो कभी समाप्त ना हो। अब जब कभी समाप्त ही नहीं होगा तो कम समाप्त ज़्यादा समाप्त कैसे आ जाएगा उसमें, इसलिए मोर लगाया, कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की क्या है, गलत है। इसका मतलब हमें समझ में क्या आया, चलो एक और देख लो, लास्ट है। एकता इज़ द मोस्ट लास्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है ना। अब एकता ही लास्ट स्टूडेंट है तो मोस्ट लगाने क्या मीनिंग है, लास्ट एक ऐसा है एडजेक्टिव जो नॉन ग्रेडेबल कैटेगरी का है, कम लास्ट ज़्यादा लास्ट नहीं होगा, इसी वजह से यहाँ भी मोस्ट कहना गलत है। तो एकता इज द लास्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो हमने क्या समझा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री जिनकी नहीं बनाई जा सकती, ये वही सारी कैटेगरी हैं, और इन एडजेक्टिव्स को बोलते क्या हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है। हम बहुत सारे लिख दे रहे हैं, जल्दी तुम लोग पहले से इसको नोट कर लो, फिर हम लिख देंगे, इसको लिख लेना। पैरेलल एटसेट्रा, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं तो तुम्हें ध्यान रखना है, समझ रहे हो ना, यानी कितने ही होते हैं और भी हो सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, है ना, जैसा भी शेप हो, रेड, ग्रीन, ब्लू एटसेट्रा, ये कलर हो गए, चीफ, सुप्रीम, इम्पॉसिबल, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एवरलास्टिंग, एटर्नल, मेजर, माइनर, लास्ट, फर्स्ट, यूनिक, प्राइम, अनमैच्ड, एक्सट्रीम, परफेक्ट, होल, आइडियल, एंटायर, एब्सोल्यूट, पैरेलल, एक और आइडियल, देखो ध्यान आ गया, आइडियल है ना, जो आइडियल है, आदर्श है वो है, ठीक है ना, कम ज़्यादा आदर्श क्या, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हो गए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स जिनमें हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इनकी नहीं बनती, ठीक है ना, नहीं बनेगी इनकी, नोट करो जल्दी से। देखो एक और एक्सरसाइज लिख रहे हैं, लिखो जल्दी से, सेंटेंस लिखो सभी लोग पहले, तो
ये सेंटेंस जल्दी करो सभी लोग, समझो आगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स पढ़े थे, ठीक है ना, जिसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती, ठीक है ना, ये पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होते हैं। अब फिर से देखो, एक दिन मानवी लक्ष्मी की बात हो गई कुछ, ये कह रहे हैं कि हम तेज़ दौड़ते हैं, ये कह रही हम तेज़ दौड़ते हैं। एक थर्ड व्यक्ति आया, हमने कहा तुम दोनों उतनी तेज़ दौड़ती हो, आपस में बराबर दौड़ती हो, लेकिन दोनों को समझाना था इसलिए हमने दोनों के लिए क्या बोल दिया, यू रैन एज फास्ट, इनसे बोला एज लक्ष्मी, लक्ष्मी से बोला यू रैन एज फास्ट एज मानवी, समझ रहे हो ना। तो हमने एज एज का यूज़ किया, एज एज का यूज़ क्यों किया, क्योंकि दोनों में बराबरी है, कोई भी किसी से ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ही रैन एज फास्ट एज इज ब्रदर का मतलब क्या है, हमने देखो एज और एज दोनों यूज़ किए, बीच में क्या लिखी, पॉजिटिव डिग्री लिखी, नहीं लिखी। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है और यहाँ का जो सब्जेक्ट है, ये दोनों आपस में बराबर रूप से दौड़ते हैं, ठीक है ना, उतने ही फास्ट है जितना कि पहला है, जितना कि बाद वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से रूल क्या समझ में आया कि जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री होगी और दो लोगों में, दो सब्जेक्टिव केस में जो आए हैं उनके बीच में इक्वल, ठीक है ना, कंपैरिजन है, बराबरी की कंपैरिजन है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री से पहले एज और बाद में भी एज, समझ गए ना। लेकिन एज एज यूज़ करते हैं लेकिन कब, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, किसी भी तरह सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस ही है मात्र, क्या है नेगेटिव, मान लो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस दिया है, तो ध्यान रखना सब्जेक्टिव केस तो होगा ही, ठीक है, यहाँ पर ही सब्जेक्टिव केस होगा। लेकिन पॉजिटिव डिग्री से पहले तो हम किसका यूज़ करेंगे, सो का, बाद में एज ही रहेगा। क्लियर होगी बात कि नहीं, क्या काम ने, कि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव डिग्री के पहले और बाद में एज एस यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं एज एस, क्योंकि दोनों में बराबरी, इक्वल कंपैरिजन है, दोनों ही सिमिलर हैं एक दूसरे के, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हमेशा हम सो एस का यूज़ करते हैं, बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि वो उतना तेज नहीं जितना कि वो, क्योंकि नेगेटिव है कंपैरिजन, समझ रहे हो ना। तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हुए भी कंपेयर कर देना, या तो बराबर होंगे दोनों या एक कम होगा किसी से, ठीक है, नेगेटिव है सेंटेंस। अब देखो आगे, तो लिखा है वरुण वॉज सो इंटेलिजेंट एज नेहा वॉज, तो वरुण सब्जेक्ट है, नेहा भी सब्जेक्ट है, दोनों कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ऐसे यहाँ पे हमने इज लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ वॉज लिखा है, तो ये तुम जानते ही हो जब कंपेयर करते हैं तो टेंस से फर्क नहीं पड़ता है ना। आज की तुम्हारी किसी क्वालिटी की तुलना हम पास्ट में किसी व्यक्ति से कर सकते हैं, तो टेंस का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ इज लिखा हो, वॉज लिखा हो, समझ चुके हैं पहले ही। लेकिन यहाँ देखो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ सो यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर सो नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एज, तो एज इंटेलिजेंट एज नेहा वॉज, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री बीच में आ रही, एज एज आ रहे हैं अगल बगल, तो वरुण उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी कि नेहा थी, ठीक। आगे देखो, दिल्ली इज एज कंजेस्टेड देन कानपुर, अभी हमने बताया कि जब हम इक्वल कंपैरिजन करते हैं, एज सो कर रहा है इक्वल कंपैरिजन, तो दिल्ली और कानपुर इक्वली कंजेस्टेड है ना। अब जब इक्वली कंजेस्टेड है तो देन कैसे आ सकता है यहाँ पे, तो देन नहीं आएगा, क्या आएगा, एज, समझ गए। अगला है तारिका इज इक्वली एज ब्यूटीफुल एज राधिका, अभी देखो हमने बताया था कि एज एज का यूज हम क्यों कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री को बीच में रख के, क्योंकि कंपैरिजन इक्वल है, जब कंपैरिजन इक्वल है, सिमिलर है, ठीक है ना, तो एक चीज़ बताओ हमें, इस इक्वल को लगाना सुपरफ्लॉस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इक्वली अब यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब भी कंपैरिजन इस तरह से करते हैं तो जैसे तुम्हारा सिमिलरली हो गया, क्या हो गया, सिमिलरली, इक्वली, इस तरह के वर्ड जो होते हैं ये यूज़ नहीं किए जाते जब पॉजिटिव कंपैरिजन हो, ठीक है ना, नेगेटिव कंपैरिजन हो, कंपैरिजन कैसा हो लेकिन सो एज, एज एज के साथ, इनके साथ है तो सिमिलरली इक्वली यूज़ करना सुपरफ्लॉस है, ठीक है। अगला देखो, ये नोट कर लिया ना सभी ने,
अब जो कंपैरिजन बिल्कुल एक अलग ही तरीके का होगा, लिखा है नीचे ला देखो, ऊपर ला देखो, पूनम इज नॉट एज हैप्पी, ये लिखा हुआ। तो पहली क्या गलती है कि नॉट आ रहा है, नेगेटिव हो गया, तो क्या एज आएगा, क्या यूज़ करेंगे हम, सो। पॉजिटिव सेंटेंस हो नेगेटिव हो दोनों जगह एज आ सकता है, अभी ने बताया था ना। तो अगर तुम एज मान लो लिखा रहने देते तो क्या गलत हो जाता है, नहीं गलत होता, समझ रहे हो कि नहीं। तुम सो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन एस का यूज़ भी अब सही माना जाता है। पहले क्या होता था, एस को पॉजिटिव में, सो को नेगेटिव में यूज़ करते थे। लेकिन तुम्हें ध्यान होगा, तुम ट्वेल्थ में पढ़ते थे, उन्होंने बताया था कि एज एज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों से जगह ही, लेकिन नेगेटिव में सो ही यूज़ होगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव आ गया तो सो हमने लगा दिया, एज लगा रहता तो भी गलत ना होता, ठीक है। तो चलो इससे तो कोई दिक्कत नहीं। तो पूनम इज़ नॉट सो हैप्पी या एज हैप्पी, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, इफ़ नॉट एक वर्ड आया, एक फ्रेज आई है, इफ़ नॉट लिखा हो कहीं पर, क्या लिखा हो, इफ़ नॉट, या फिर इसके आगे आ जाए और, या फिर आ जाए अनलाइक, क्या आ जाए, अनलाइक, अनलाइक जानते हो ना, पढ़ा था हमने शुरुआत में, ध्यान है कि नहीं ध्यान है, हाँ। नेगेटिव सेंस रखता है अनलाइक। तो ध्यान रखो कि इसके पहले हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री को लिख के उसके साथ एज एज का यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, एज एज, लेकिन उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री लिख के उसके साथ देन का यूज़ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अब तुम कहोगे इसका मीनिंग क्या हुआ, वो आगे देखेंगे। तो पूनम इज़ नॉट सो हैप्पी, तो पहली बात तो हैप्पी पॉजिटिव डिग्री है, तो पूरी कब होगी, जब सो एज हो जाएगा या एज एज हो जाएगा, तो हैप्पी के बाद हमें क्या लिखना है, एज हो गया। अब लिखा है इफ़ नॉट हैप्पियर देन सीमा इज, तो देखो यहाँ पे क्या कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, है कंपैरेटिव डिग्री, देन आया साथ में, हो गया सेंटेंस, अब सही हो गया, समझ रहे हो। अगला लिखा है ही इज एज इंटेलिजेंट एज, सही है स्ट्रक्चर, लेकिन और के बाद क्या है, मोर हिज ब्रदर, लेकिन मोर तो ठीक है अधिक है, लेकिन उसके बाद आना क्या चाहिए, देन। मीनिंग क्या हुई, इसका मीनिंग ये होता है, जैसे पहला सेंटेंस है कि पूनम उतनी खुश नहीं है, ठीक है ना, और यदि ऐसा नहीं है तो उससे ज़्यादा खुश है, किससे, सीमा से। तो या तो मतलब यहाँ तुलना क्या की जा रही है कि उतनी खुश नहीं है या उतनी खुश है जितनी की सीमा है या फिर उससे ज़्यादा ही है, समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो, कोई किसी के बराबर खुश है, ठीक है ना, हमें नहीं पता, तो हम यही तो बोल सकते हैं, या तो उसके बराबर खुश है इस बात से वो, या फिर उससे ज़्यादा खुश है, ये तो बोलोगे, तो ऐसे ही सेंटेंस बोला जाता है। अगले का अर्थ क्या हो जाएगा, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज और मोर देन हिज ब्रदर का मतलब क्या है, कि वह उतना ही बुद्धिमान है या फिर अपने भाई से ज़्यादा ही बुद्धिमान है, या तो भाई के बराबर बुद्धिमान है या भाई से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, और सेम सेंटेंस इसको हमने कवर कर लिया। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है सभी को, ये सेंटेंस नोट करो। अगली एक्सरसाइज लिखो, देखो इसमें किसी को डाउट है, क्यों नहीं समझ में आया सभी को नहीं। बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज लिख रहे हैं अगली, सभी लोग सेंटेंस में देखो, सेंटेंस लिखो सभी लोग फिर से, जल्दी सेंटेंस नोट करो सभी लोग। देखो भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, पहला सेंटेंस देखो, लिखा है रवि इज टॉल, यहाँ टॉल का यूज़ किया गया, कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, सेंटेंस सही है, रवि लंबा है बोला जा रहा है। अगला है रवि इज टॉलर देन वरुण, यहाँ पर क्या है, रवि और वरुण के बीच में क्या है कंपैरिजन, कंपैरिजन किया गया, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, उसके बाद देन आया, कोई दिक्कत भी नहीं, सही है ना यहाँ तक। अब देखो, अब बोले रवि इज टॉलर देन एनी बॉय इन द स्कूल, रवि लंबा है किससे, एनी बॉय इन द स्कूल, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ तो मैं, ये स्कूल है मान लो, इस स्कूल में ये इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 12 स्टूडेंट्स हैं मान लो, अब इन 12 स्टूडेंट्स में एक रवि भी है, नहीं है क्या, और तुमने बोला कि रवि जो है वो टॉलर है, लंबा है, एनी बॉय, एनी बॉय में सभी आ जाएंगे ना, इवन रवि भी इंक्लूड होगा ना उसमें। अब रवि को हमें बताना है टॉलर
और रवि भी उन एनी बॉयज में आता है, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं ना। इसका मतलब हमें इस सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वहाँ से निकालना पड़ेगा बाहर, कि पहले रवि तो बाहर निकल आए, इससे फिर बताया जाएगा बाकी सबसे लंबा है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। इसीलिए क्या करते हैं हम सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करने के लिए, ये एनी और इसके तुरंत बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा, इनके बीच में हम अदर का यूज़ करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो कैटेगरी बन जाती है फिर से दो चीज़ों की, किन दो चीज़ों की, कि जब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर कैटेगरीज, किसमें सिमिलर कैटेगरीज में कंपैरिजन है, बात समझ में आ रही कि नहीं। और या फिर कंपैरिजन होगा डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, या तो अलग अलग कैटेगरीज में कंपैरिजन होगा या सिमिलर कैटेगरीज में होगा। अब देखो यहाँ पर रवि इज टॉलर देन एनी बॉय, इन बॉयज में रवि भी था, लेकिन रवि ही लंबा है तो रवि बाकी सभी से लंबा होगा ना, अदर बॉयज से, इसलिए अदर लगाना जरूरी है, बात समझ में कि नहीं। तो रूल क्या बना हमारा, सिमिलर कैटेगरीज में, सिमिलर कैटेगरीज में क्या रूल बना, कि जो कंपेटिव डिग्री आती है उसके तुरंत बाद क्या आएगा, मेरा देन आएगा, लेकिन तुरंत बाद अगर एनी आ रहा है और उसके बाद आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इस एनी और इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में हमें इस सब्जेक्ट को क्या करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए, निकालने के लिए, और बाकी समय फिर कंपेरिजन करने के लिए उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा अदर का। किसको मेरी बात समझ में नहीं आई भाई, सब्जेक्ट भी तो इन बॉयज़ में आता है, सब्जेक्ट अगर इन बॉयज़ के अंदर बैठा रहेगा तो कंपेरिजन कैसे होगा सही से, सब्जेक्ट को अलग करना पड़ेगा पहले में, बाकी सभी से कंपेरिजन होगा कि फिर वो लंबा है बाकी सभी से, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। क्यों, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक हमने बैग लिया, ठीक है, इसमें पारस का फ़ोन भी रख दिया, तनिष का फ़ोन भी रख दिया, अभिनय का फ़ोन भी रख दिया, ठीक है ना, और आदित्य का फ़ोन भी रख दिया, और हर्षित भी अपना फ़ोन दे रहे हैं, पाँचों लोग को रख दिए, और इनसे कहा कि चलो जो लोग जिस पाँचों लोग हमने फ़ोन इसमें डाल दिए हैं, तुम्हारा इनाम है, निकाल लो इससे एक फ़ोन, तो क्या बताओ तुम्हें इनाम मिला एक्चुअल में, तुम कुछ जीते हो, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन इसमें है पहले से ही, तो तुम निकाल लोगे, जहाँ तक किसी दूसरे का निकाल लोगे, इतना ही हो सकता है बस खाली, लेकिन क्या तुम्हारा एक तरह से तुम्हारा फ़ायदा हुआ है? तो ऐसा ही होता है इन चीज़ों में, क्या होता है कि पहले, अब मान लो जैसे आदित्य निकालने आए या ये पारस निकालने आए, इनका फ़ोन इससे बाहर होता, फिर एक्चुअल में अवॉर्डेड होते, इनको एक्स्ट्रा मिल जाता, समझ रहे हो ना। तो उसी प्रकार से समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर रवि को जब तक बाहर नहीं करोगे तो बाकी बॉयज़ में रवि भी पार्ट रहेगा, अगर रवि को बाहर नहीं करते हो तो एक्सक्लूड करना है, इसलिए हमें अदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाकी सभी लोगों से तुलना करनी है, बाकी सभी बॉयज़ से तुलना करनी है, किसकी, रवि की, कि रवि लंबा है बाकी सबसे, तो अदर बॉयज़ से करोगे ना तो अदर नहीं लगाओगे। लेकिन आता क्या बाद में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कभी भी एनी अदर बॉयज़ नहीं लिखोगे, क्या होगा, एनी अदर बॉय, क्लियर। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि रवि इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन द स्कूल, तो रवि कैसा है, टॉलर है देन एनी स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट में क्या स्टूडेंट में रवि भी नहीं है एक, तो रवि अगर स्टूडेंट के, रवि भी तो एक स्टूडेंट है, क्यों भाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, अदर नहीं लगाएंगे, क्यों बोलो, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना। लेकिन अगला देखो, रवि इज टॉलर देन एनी गर्ल, अब देखो रवि और ये जो गर्ल है ये तो अलग अलग कैटेगरी हैं, क्योंकि रवि तो एक लड़के का नाम है, गर्ल तो वैसे भी अलग है, तो कैटेगरी तो वैसे भी डिस्टिंक्ट हो गई, अलग अलग हो गई, और कैटेगरी डिस्टिंक्ट होंगी तो अदर लगाने का कोई नीड नहीं, क्या यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत है, कि रवि अन्य किसी लड़की से लंबा है, मतलब रवि भी एक लड़की से लंबा तुम कह रहे हो, तो कैसा तो है नहीं, तो रवि अन्य लड़कियों से लंबा है, किसी भी लड़की से लंबा है, किसी भी लड़की बोलोगे ना, रवि क्या किसी भी लड़की से लंबा है, किसी अन्य लड़की से, ऐसा बोलो क्या, अदर मीस अन्य होता है यहाँ, लेकिन बोलना पड़ेगा ना अन्य लड़कों से लंबा है, अन्य विद्यार्थियों से लंबा है,
तो कैटेगरी अगर सिमिलर होंगी तो तुम्हें डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन कैटेगरी अगर पहले से अलग अलग हैं, सिमिलर नहीं है कैटेगरीज, तो डिस्टिंक करने का मतलब नहीं होते अलग अलग हैं, गर्ल अलग होती रवि अलग है, तो यहाँ पर अदर की नीड नहीं, ये सेंटेंस क्या अपने आप में सही। अगला रवि, अब देखो यहाँ पर रवि इसका कंपेरिजन कर रहे हो सब्जेक्ट का किससे, डेस्क से, तो रवि डेस्क से लंबा है तो अदर डेस्क क्यों, क्या रवि भी कोई डेस्क है क्या, नहीं है ना, तो ये भी सेंटेंस क्या है सही, कोई डाउट किसी को। जैसे मैं एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल और देखो, चलो हम बाद में लिख देंगे, इनको नोट करो जल्दी से। देखो इसके आगे और सेंटेंस देख लो इसी कैटेगरी के, ठीक है, ये तो सेम एग्जांपल में हो गया ना, कुछ और देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है नो ब्रांड इज एज ट्रस्टवर्थी एज हीरो। अब देखो हमें कंपैरिजन किसका करना है, ब्रांड और हीरो का, तो ब्रांड और हीरो क्या है, सिमिलर कैटेगरीज है ना, मेरी आवाज समझ आ रही कि नहीं, तो अगर सिमिलर कैटेगरीज हैं तो हमने बताया क्या कि सिमिलर कैटेगरीज हम यूज़ क्या करते हैं, अदर का, तो तुम्हें यहाँ क्या यूज़ करना है, अदर का, बात समझ आई सभी की नहीं, तो नो अदर ब्रांड इज एज ट्रस्टवर्थी एज हीरो, क्लियर। अगला देखो नो मैन, मैन का कंपैरिजन गंगा नदी से, ठीक है ना, तो बताओ मैन और गंगा ये दोनों अलग कैटेगरी है ना, मैन अलग चीज़ हो गई, गंगा अलग हो गई, तो पहले से अलग कैटेगरी दी गई है, तो बोल सीधी बात है कि कोई भी व्यक्ति उतना पवित्र नहीं है, प्योर नहीं जितनी गंगा नदी है, तो लिखने की जरूरत है क्या, सेंटेंस क्या अपने आप में सही, कुछ नहीं करना। तो हमें क्या समझ में आया कि कंपैरिजन जब डिस्टिंक्ट कैटेगरीज का होता है तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री आएगी प्लस क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं, और अगर एज एज से दिया है तो एज एज आ जाएगा, है ना, मतलब कुल मिला के हमें अदर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, जैसे अदर यूज़ कर रहे थे ना यहाँ पे फॉर एक्सक्लूड करने के लिए, तो यहाँ एक्सक्लूजन की नीड ही नहीं है, नो नीड टू यूज़ अदर, क्योंकि पहले से कैटेगरी कैसी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। थर्ड देखो, थर्ड सेंटेंस कौन कर ले बताओ, समीक्षा इज द मोस्ट कनिंग लेडी ऑफ ऑल द अदर मेन इन द एरिया, क्यों इसमें बताओ क्या क्या गलत है बताओ, कहाँ पे अदर हट जाएगा, अदर हट जाएगा, अदर क्यों हट जाएगा भाई, मेन नहीं है, अलग कैटेगरी, चलो ठीक है, और ये बात कहाँ से क्लियर हो रही है, मोस्ट कनिंग लेडी से बोला गया ना, लेडी जब उसको लेडी बोला गया कंपैरिजन मेन से, तो वैसे भी डिस्टिंक कैटेगरी हो गई लेडी और मेन, और जब डिस्टिंक कैटेगरी हो गई तो नीड ही नहीं अदर का यूज़ करने की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या यहाँ पर ने ऑफ के बाद ऑल का यूज़ किया, एनी नहीं यूज़ किया, एनी था तो सिंगुलर था, ऑल यूज़ किया तो क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हमने मेन यूज़ किया, समझ गया ना, क्योंकि ऑल मेन हो गए ना, ऑल मेन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फोर्थ देखो, द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल द अदर रिवर्स, अब गंगा क्या है, रिवर है, गंगा क्या है, रिवर, और गंगा रिवर है, और ये कंपैरिजन भी किससे हो रहा है, रिवर से, तो सेम कैटेगरी हो गई ना, सिमिलर हो गई ना, अगर सिमिलर हो गई तो हमें कंपैरिजन करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए क्या लगाएंगे हम, अदर, तो यहाँ पर अदर सही है, अब सेंटेंस सही है, समझ गया ना। अच्छा एक चीज और ध्यान सुनो, इसी सेंटेंस को ठीक है ना, ध्यान से सुनो। अच्छा हमें एक चीज बताओ कि अगर इसी सेंटेंस में हम आगे लिख दें ऑफ ऑल द रिवर्स कॉमा द गंगा, द लगा लेना, इज द होलीएस्ट, कोई अंतर पड़ा क्या इससे बताओ, क्यों, अभी हमने यही सेंटेंस तो पढ़े थे, जब आगे कुछ आ रहा हो तो इस तरह से लिख दो तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, अब इसको हमने पीछे करके लिख दिया, बात समझ आई सभी को, किसी को कोई डाउट है जल्दी से नोट करो। देखो एक चीज और समझ लो ध्यान से, अभी जब हमने रूल पढ़ा था
कंपैरिजन पढ़ा था सिमिलर कैटेगरी और डिस्टिंक्ट कैटेगरी के बीच में, ठीक है। तो उसमें क्या था, इस तरह से कंपैरिजन हो रहा था एज एस से, लेकिन इस बार देखो किस तरह से आ रहा है, तुम्हारे पास एक ऑफ आ रहा है, ऑल आ रहा है, और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, ऑफ के बाद ऑल लिख के प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो फिर होता है अदर का यूज़ करते ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अदर का यूज़ क्या है, रॉन्ग, समझ रहे हो ना, नहीं बात समझ में आ रही। तो सेंटेंस ऐसे दिया होगा कि वहाँ पे नीड नहीं, देखो ऐसे लिखोगे तो भी समझ में आ रहा है, ऑफ ऑल द रिवर्स द गंगा इज द होलीएस्ट, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत किसी को। तो लिखा जाएगा द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, मतलब सभी नदियों में गंगा सबसे पवित्र नदी, ठीक है ना। सभी अन्य नदियों बोलने का नीड ही नहीं कोई है क्या, नहीं है ना। तो ये सभी नोट कर लिया, रफ करें इसको, एक छोटे दो तीन चीज़ें और हैं उनको ध्यान समझ लो, ठीक है। हाँ ये जरूर ध्यान रखना है ना, ये रूल जो है ना इसको समझ लिया, ये क्या आएगा, ऑफ प्लस ऑल प्लस क्या आ जाएगा, पहले इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री आएगी, प्लस ऑफ प्लस ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, समझ गए सभी लोग, रब कर दें। एक बात और देखो ध्यान से, हमने एक सेंटेंस लिखा है, माई हाउस इज थ्री टाइम्स बिगर देन योर्स, ये लिखा हुआ है, मेरा घर तुम्हारे से तीन गुना बड़ा है। तो ध्यान रखो जब भी टाइम्स का यूज करके कंपैरिजन किया जाए, किसका, टाइम्स का यूज करके, तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, समझ रहे हो। कैसे करते हैं सेंटेंस को सही, इसको ऐसे लिखते हैं, माई हाउस इज थ्री टाइम्स, क्या बोलेंगे, एज बिग एज योर्स। किसी को दिक्कत किसी चीज इस बात में, जब भी टाइम्स वर्ड आएगा तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, तो हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं और एज एस का यूज करते हैं, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत। एक बात और देखो, जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी पॉजिटिव से डायरेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म होती, पॉजिटिव और डायरेक्ट फिर क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, है ना। जैसे कपूर को सीधे गर्म करो तो द्रव नहीं बनता, सीधे उड़ जाता है तीसरे स्टेज डायरेक्ट, ऐसे इसमें भी है, कौन कौन से वो वर्ड होंगे, जैसे तुम्हारा है टॉप, अगर टॉप का सुपरलेटिव बनाना तो टॉप मोस्ट हो जाएगा, टॉप मोर नहीं होगा, या तो टॉप होगा पॉजिटिव में या सीधे क्या हो जाएगा, टॉप मोस्ट। ऐसे जितनी भी डायरेक्शन होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ना, ये सभी हैं कि नहीं, अगर इनका देखो अभी तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नाउन है, इनको एडजेक्टिव कैसे बनाओगे, जब इसमें तुम क्या लगा दोगे, ई आर एन, क्या जोड़ दोगे, ई आर एन, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न इंडिया बोलते हो, उत्तर भारत, तो नॉर्दर्न वहाँ पे एडजेक्टिव नहीं हुआ क्या, हुआ ना। ईस्टर्न नहीं बोलते हो, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया बोलते हो ना, सदर्न इंडियन ओशियन बोलते हो ना, तो ई आर एन लगाने से क्या बन जाते हैं, ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, और कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव में। सुपरलेटिव कैसे होंगे, तो सुपरलेटिव के लिए हम क्या करते हैं, सब कुछ ये रहेगा, ठीक है ना, ये जो चीज़ें हैं ना ये सब रहेंगी, लेकिन इनके साथ हम क्या लगा देंगे, एन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ई आर एन तो रहेगा ही, लेकिन साथ में और क्या आ जाएगा, मोस्ट, ध्यान है कि नहीं। तुम्हें ध्यान हो हमने लिखाया था हिस्ट्री में कि सुतका गेंडोर इज द, क्या बोला था, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे तो बोला जाएगा, तो एग्जाम्पल देने की जरूरत तो नहीं इसमें है क्या किसी को, नहीं। एक छोटी सी बात और देख लो, हमने लिखा है तुम लोग में कौन सगे भाई हो, कोई है, चलो ठीक है हम लिख दे रहे हैं सेंटेंस ही, भाई के नाम क्या है तुम्हारे फ्रेंड से, है
एक सेंटेंस ये लिखा, फिर हम लिख दिया लेकिन ध्यान रखना हमने किस रिस्पेक्ट में लिखे हैं। अब ये दोनों सेंटेंस सही हैं लेकिन जैसे ही हम एक रिस्पेक्ट ये लेके आए कि जो प्रांसी और जो सुमित हैं ये ब्रदर सिस्टर हैं, ये क्या है ब्रदर सिस्टर, और ये हम तुमसे बोल दिया प्रांसी और जो लक्ष्मी हैं ये फ्रेंड्स हैं, क्या हैं फ्रेंड्स हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखेंगे तो दो ऐसे लोगों का कंपैरिजन हो रहा है जिनके बीच में ब्लड रिलेशन है, क्या है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। और जब भी ऐसा होता है तो हम ओल्डर का यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं एल्डर। एक ही माता पिता की संतानों में एल्डर का यूज किया जाता है बड़े छोटे में, ठीक है ना। लेकिन देखो ये क्या है, एक माता पिता की संतान है प्रांसी लक्ष्मी, नहीं, अगर इनको हमने फ्रेंड्स बोला है तो यहां पर क्या आएगा अब ओल्डर। बात समझ आई कि नहीं, तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद इंटरचेंज ऑफ एडजेक्टिव जरूर होता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चेंज करना, ठीक है ना, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव चेंज करना, वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट है जिसको पढ़ना हम बाद में पढ़ा देंगे, फिलहाल कंपटीशन में इतना ही आता है, ठीक है ना, इसको प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है ना। एडजेक्टिव कंप्लीट हो गए, अगली बार इसकी एक्सरसाइज और कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, चलो ठीक, नोट कर लो।